नहीं मिलेगी. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? लगता है कि वो नाराज है. इसके बारे में हम शिवाजी शिंदे से पूछते हैं कि इसके बारे में उनकी राय क्या है. व्हाट आर योर रिएक्शंस? व्हाट आर योर फीलिंग्स? ओके, नोबडी इज रिएक्टिंग. वेल, कंट्रोवर्सी में फंसे डीके मेहता जी अपने पद से रिजाइन कर रहे हैं, तो अब उनके स्थान पर किसी पार्टी के नेता को भर्ती होना चाहिए. महाराष्ट्र से शिवाजी शिंदे एपी के सिम्हाचरण जी से इस रेस में आगे बढ़ चुके हैं. दोनों नेता अपने अपने पार्टी एमपी के साथ पार्टी ऑफिस में पहुंच गए हैं, लेकिन ये पद किसको मिलेगा दोनों इस बात को लेकर. आइए सर, आपको साफ बुला रहा हूं. आपने आप नमस्कार. नमस्ते को बाजू में रखो. पूरी फाइल में एलिगेशन ही है. तुम्हारी पोजीशन की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है. इसे मैं ऐसे ही हाई कमांड के पास भेज दूं? तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बता रहा हूं. पहले तुम पर जो एलिगेशन है उसको हटा लो, नहीं तो इस गुड़ी पड़वा के दिन अशोका हाल में शपथ तुम नहीं वो सिम्हाचरण ही लेगा. मैं शिवाजी शिंदे भगवान की प्रति शपथ लेते हुए शासन द्वारा निर्मित भारत के संविधान के प्रति सच्चे विश्वास के साथ निभाता रहूंगा. राष्ट्रमंत्री होने के नाते मैं अपने कर्तव्य को श्रद्धा से निभाता रहूंगा. मैं शिवाजी शिंदे राष्ट्रमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन के लिए ऐसा करता रहूंगा. अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संकुचित व्यय प्रकट न करूंगा. क्यों? कुछ नहीं सर. ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे ही साहब. जरूर बनोगे. आप भी बनोगे साहब. आप भी बनोगे साहब. आप भी बनोगे. आप भी बनोगे साहब. आप भी बनोगे साहब. क्या बोला? नहीं बनोगे. रुको साहब. उस सिम्हाचरण को किसी ऐसे केस में फंसा डालो ताकि वो दोबारा कभी किसी राजगति के बारे में सोच नहीं सकेगा. साला, जो मेरे दिल में है तू ही बोला. तू साले सब चमचे हो. तुम सब साले चमचे हो. चमचे. चलो 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 भोसड़ी के इधर क्यों खड़े हो? चलो चलो जाओ मेरे नजरों के सामने से जाओ. मन्ना, इस मिनिस्ट्री के लिए सिम्हाचरण और मैं पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं. वो मंत्री ना बन सके, उसे रोकने की ताकत है मुझ में. वो हैदराबाद में है. तुम वहां जाओ, चेस करो, पकड़ो उसे. अरे मुझे बचाने वाली कोई शक्ति है क्या? कौन है बे तू? तू कौन है बे? वो मुझे चाहिए. ये मेरा शिकार है बे. कमीना मुझसे 10,000 रुपए लेके गया 1 महीने का बोल के. 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू हो गया, अब मिला है. क्रिकेट बैटिंग बोल के 10 के हिसाब से 50,000 ले लिया उसने. अरे इंडिया हार जाएगी, मैंने शर्ट लगाई थी. अब इंडिया हार गई तो मैं क्या करूँ? तेरी माँ की. इंडिया हार जाएगी ऐसी बैट लगा, तुझे जीने नहीं दूंगा. ए अन्ना, अपना कर्ज भूल जा, मैं भी भूल जाता हूँ. ये छपरी तो गया अब. ए ऊपर वाले को याद कर ले साले. अरे भाई, अरे रुको 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 रुको. आधे में ही रोक दिया. आप बोलो क्या करना है भाई? अगर इसको हमने मार दिया तो हमारा पता तो चला जाएगा. हाँ, अगर हम इसका 10,000 दे देंगे तो इससे 10 का 10 होना, हम लोग उससे ज्यादा पैसा ले सकते हैं भाई. समझ गए भाई? भाई अगर तुम इसे मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारा 10,000 दे दूंगा. ये लो पकड़ो.
मेरे 10,000 तो मेरे को मिल गए, अब इस कमीने के साथ क्या करना, तुम चाहो तो काट कर खा लो। ये लो भाई, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ए भाई मैं निकल रहा हूँ। भाई मुझे इन लोग के हवाले करके क्यों जा रहे हो? मुझे मेरे नोट मिल गया, तेरे से क्या काम है भाई? आपको काली माँ की कसम अगर छोड़ कर गए तो। क्या कहा? काली माँ की कसम? तुझे मालूम है काली माँ से मेरा कितना सेंटिमेंट है? ए भाई तुम्हें तो पता ना आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है, जैसा बैंक पैसा देती है और इंस्टॉलमेंट से वसूलती है, वैसे ही तुम भी वसूली करो ना भाई। मुझे नॉट ओके, पकड़ो भाई। अभी ओके है ना रे? क्या नॉट ओके बे? जब दो बड़े लोग बात करे तो तू को टंगड़ा रहे बे। बोलो ना इसको। हाँ भाई, साले पहले कर्जा पूरा जान दे, तू क्यों बात कर रहा है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 10,000 दे। मेरे पास देने के लिए कुछ है क्या? बड़े आदमी ऐसे देगा? चल पैर पकड़। चल पैर पकड़। मैं पकड़ू? पैर पकड़ने बोला ना। ओ मैं क्या, एक बार और पकड़ू? छी, पूरा दिन सेटलमेंट में गया। चलता हूँ। चल दे इधर। क्या भाई, अब आप ही हो ना? तकलीफ रहेगा तो बोलना। चल बैठ भाई। तुम्हारे जेब से निकाला हुआ 10,000 कहाँ गया? यही है। तो बुज्जी का 10,000 रुपए कहाँ गया? यही है। फिर इधर का 10,000 रुपए कहाँ गया? यही है। भाई हमारा पैसा हमारे हाथ में रखकर चला गया। क्या शर्ट लगाई तूने और मार खाया मैं? इसीलिए तो तेरे को बचाया वहाँ से। फ्रेंड है बे, इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है तो एक बीयर पिला। बीयर पिलाने बोला था, ये क्या किया? पकड़ो उन्हें। अरे रस रुको, रस रस पकड़ो। कहाँ जाएगा? दरवाजा पीट रहे हो, कोई काम धंधा नहीं क्या तुम लोगों को? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब करने चले थे। अरे इसको भी निकालो। अबे बाल मुझे पीने से पाप धुलते कमीनो। क्या जमा क्या निकालो इसको। अरे तुम लोगों को क्या हुआ? वो लोग कहाँ हैं? वो लोग हमारी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर भाग गए। आओ भाई बाइक से पकड़ते हैं हम लोग उसे। जल्दी आओ भाई। हाँ अरे ठीक से बैठ। अबे कहाँ है वो लोग? अरे बार बार लेफ्ट राइट बोल रहा है, इधर जगह कहाँ है? बाइक से उधर के तो देखो भाई, सब पता चलेगा। अरे आओ आओ, पकड़ो पकड़ो। मुझे चाकू से बहुत डर लगता है। पकड़ इसको। अरे बाप रे, मेरे को ना सिर्फ 10,000 ये ले। अरे भाई 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 भागो भागो, रुको रुको। अरे अरे रुको रुको रुको, लड़का बहुत अच्छा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया। तुम जाओ, हिसाब बराबर हो गया। हटो हटो, जाने दो जाने दो। हाँ हाँ हटो। भाई पहला इंस्टॉलमेंट का 10,000 किधर है? मेरी जेब में। अरे मेरे 10,000 लेके गया। आपके बैक सीट पर बैठकर आपके पिछवाड़े से निकाल कर भाग गया। अब माँ की क्या बोल रहे हो, तो आपका बाइक भी लेकर। उसके घर को आग लगे, उसका सत्यानाश हो, उसे हार्ट अटैक आ जाए। कौन है जिसने तुम्हारे बाइक का एक्सीडेंट किया, वो हमारे गांव की लॉरी के नीचे आके मर जाए? कौन है? अरे जाने दोनों, बहुत चोट नहीं लगी है। तेरे लिए कौन रो रहा है? वो तो माइक से टीवी लेकर आ रही थी, धक्का लगकर टूट गया, इसलिए रो रही हूँ। जीजा जी ऐसा बोल रहे हैं,
लेकिन उनको ऐसी ऐसी जगह चोट लगी कि वो बता नहीं सकते। क्या इसको चोट कहते हैं क्या? हमारे गांव में इसको तो खोरच कहते हैं। ऐसा है क्या? तो फिर आपके गांव में इसको क्या बोलते हैं दीदी? एप्पल पकड़ा हुआ गधा कहते हैं। मेरे प्रति आपका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तेरा नाटक बहुत हो गया, मुँह बंद कर। ए बुलेट, भाभी एक्चुअली हुआ क्या कि भाई 22141421 3851161 5192 21 22151418 1 4 1 14 9 11 9 14 15 29 4 21 12 1 ये नंबर की भाषा क्या है? जब मैं इस घर में आई तो क की भाषा, क समझ में आए तो ज की भाषा, अब ये नंबर की भाषा, मुझे सब कुछ अभी के अभी बताना होगा। मेरी समझ में आ गया, लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं बोलोगे? वो क्या है ना दीदी, ये नंबर की भाषा है वो बहुत इजी है। ए बी सी डी कितने हैं? वही तो, एक का मतलब ए, बी का मतलब दो, सी का मतलब करेक्ट समझे आप। तो इसने ये कहा 3 8 5 16 16 19 21 मतलब एक्सीडेंट का कारण यही है, ये ऐसा बोल रहा है। और इसके जवाब में जीजू ने कहा 22 15 4 4 2 1 9 4 1 41 9 14 15 29 4 21 12 1। जाने दो, इसको ऐसे ही बड़बड़ाने की आदत है। क्यों रे, हम लोग सुख से रहे तुम्हें पसंद नहीं है? पल पल मैं जिस बच्चे का इंतजार कर रही थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं बांझ नहीं कहलाती। अब जाने भी दो, उसने जानबूझकर थोड़ी गिराया, गलती से। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इसकी माँ की है, उसने पैदा करके मेरे पीछे छोड़ दिया। क्या बेकार की बकवास करते रहती है। काम धंधा तो कुछ नहीं है, लेकिन बातों के लिए कम नहीं है। अरे गधे, वो कल का है। दही बड़ा जितना पुराना हो उतना ही अच्छा लगता है। बिल्ली आई, उसने सुनकर उल्टी की, मैंने सोचा बाहर फेंक, तो फिर सोचा तुम आकर खा लोगे, इसलिए संभाल के रखा, खा ले। अरे रुक तो सही, अरे तुझे बोल रहा हूँ रुक ना। अरे तू फील कर रहा है क्या? मैंने तेरा साथ नहीं दिया इसलिए, या दीदी ने तुझे डांटा इसलिए? बियर पीने के लिए पैसे नहीं इसलिए रो रहा हूँ। सोच रहा था शहर में सबसे बड़ा वैष्णव मैं हूँ, पर मेरी जगह तूने ले ली, कांग्रेचुलेशन। लेकिन कल से तेरे में और मेरे में फर्क होने वाला। क्या फर्क होने वाला है? मैं जॉब करने वाला हूँ और तुम भीख मांगने वाला। जॉब करेगा कहाँ? कब से एक जगह भाई बोल रहा था इंटरव्यू देके आ, वहीं चला जाऊँ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, खोपड़ी चाहिए। बाल खोपड़ी पे, ब्रेन पे। इस ब्रेन के साथ एक महीने में एक पेटी कैसे कमाता हूँ देख ले। इस नाम के आदमी का एड्रेस मुझे चाहिए। आप एक हफ्ते बाद आइए। इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए? ये लो एड्रेस, पूरी फैमिली के साथ रहता है। गुड मॉर्निंग सर। क्या कर ला मुड़े कृष्णकांत, यही है ना तुम्हारा नाम? प्यार से लोग मुझे क्रिश कहते हैं सर। ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि अच्छाई ज्यादा ही दिखा रहे हो? मैं विनय जी का भाई हूँ सर। ओ तो तुम विनय के भाई हो। हाँ, तुमने क्या पढ़ा बेटा? डिग्री में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। चलेगा, सिर्फ एक में ही पास हुआ, बाकी सब में फेल हो गया। अच्छा ठीक है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। जाओ जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ सर। रुको। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? निजामाबाद में है सर। निजामाबाद में? वहाँ क्या कर रहा है? अन्नदान? It's a long story, sir. Single line में बताओ ना। एक busy street, sir. एक माँ और बेटी road cross कर रही थी sir. मैं भी उस वक्त वही था। तभी एक lorry। Accident हो गया क्या? मैं कैसे होने देता sir? माँ बेटी को तो मैंने बचा लिया। अच्छा है। तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरा हाथ टूट कर वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ नहीं जुड़ेगा। फिर पता उस माँ बेटी ने मुझसे क्या कहा सर? मुझे कैसे पता चलेगा सर? जो बोल रहा हूँ सुनो ना सर। बेटा जिस हाथ ने मुझे बचाया वो हाथ मुझे दे दो बेटा, रोज फूल और तिलक चढ़ाकर उसकी पूजा करूंगी बेटा, तिलक लगाकर। तो तुमने दे दिया? निजामाबाद ले गई सर। शॉर्टकट में बताया तो मुझे इतना रुलाया, और तू डिटेल में बताता तो मैं अभी तक आईसीयू में होता। चलता हूँ सर। रुको बेटा, इस तरह मुझे रुला कर कहाँ जा रहे हो? फिजिकल चैलेंज कोटा उस पोस्ट में मैं तुम्हें एक जॉब देता हूँ बेटा। मुझे सच कह रहे हैं सर? साइन भी कर रहे और पूछ रहे हो सच है क्या? सैलरी कितनी होगी सर? महीने में 1,00,000 रुपया और 12 महीने में 12,00,000 रुपया। सर थैंक यू, थैंक यू सो मच। ए
ये क्या सर, इसे तो निजामाबाद में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हैं? जायदाद मुझे पूछना चाहिए था, पहले ये बताओ तुम मुझे क्या समझ रहे हो बेवकूफ। नहीं नहीं सर, रुको मैं तुम्हारे भाई को बताता हूँ। मैं तुम्हारी भाभी को बताऊंगा। भाभी को? नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर। ठीक है उठो उठो, अब पैर पकड़ रहा है, अब लाइन पे आ गया। क्या हुआ? टेबल के नीचे लड़की है सर, पेंसिल साफ कर रहा था वही नीचे गिर गई है, उसी को निकाल रही है बेटा। पेंसिल को ढूंढने के लिए इतना टाइम सर, शार्प करते करते खुद ही छोटा हो गया बेटा। पेंसिल मिल गई सर, पेंसिल मिल गया, अभी तुम जा सकते हो। पेंसिल की साइज देखकर पता चलता है तुम सैलरी क्या दोगे। यू गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, ये फोर्स क्या, गेट लॉस्ट। आ जाते हैं बड़े काम ढूंढने के लिए, सर्टिफिकेट तो रहता नहीं है सर। पेंसिल, रुको तुम और तुम्हारी पेंसिल, चलो ढूंढो इधर, सब यहाँ ढूंढ लो। देखे से तो इनको जानती है? हाँ जानती हूँ, लेकिन ये घर खाली करके चले गए यहाँ से वो लोग। क्या? दो साल पहले। कहाँ पर गए? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? कसम खाती हूँ मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तेरे को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। रुक जा, इधर नाचना बंद कर, उधर तेरी भाभी चिल्ला रही है। पूरी उतार दी साले। अभी नीचे जाने के बाद क्या सीन होगा पता है? आ जाओ आवारा लोग, आवारा गर्दी करके आ गए। क्या पियोगे? फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक। तुम्हारे जैसे लोगों को हमारे गांव में क्या कहते हैं पता है? गधा। तो रुक रे बे, ट्रेलर इतना खतरनाक है तो पिक्चर कैसी होगी? अभी भाभी से कैसे बचूंगा मैं? उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, माँ बाबा रात का कुछ बचाए तो दे दो बाबा। तेरी माँ की पैसे कैसे कमाना ये बता। उसके लिए एक और उपाय है, 20-40, 20-40, 20-40 लेडीज बगल में बैठेगी, 20-60, 20-60 दोनों बाजू लेडीज बैठेगी। इस व्हाइट हैंड से ब्लैक करने के लिए कह रहा है? मेरे हाथ की लकीरें देख, मैं अमेरिका में काम करूंगा। एक घूट पी के देख, मैं तुझे स्टेचू ऑफ लिबर्टी लगूंगा। अभी तो सीरियसली बताएगा मैं अमेरिका कैसे जाऊं? जैसा सुपर रॉक किया वैसा तू भी कर, जल्द से जल्द अमेरिका पहुंच जाएगा। क्या किया उसने? दुबई में काम करने वाली एक लड़की को पटा लिया। कहां? ठीक है बता। वहाँ उस लड़की को पटा के उसे शादी किया और उस लड़की के साथ वहीं दुबई जाकर खुशी खुशी सेटल हो गया और एंजॉय कर रहा है। वो कौन है बे? मेरा बाप। अबे तेरा बाप? हाँ। इस तरह मैं भी तेरे बाप की तरह अमेरिका में काम करने वाली लड़की को पटा के उसके साथ चला जाऊँ क्या? अरे लाइफ सेटल हो जाएगी यार, अगर शादी करके हम लड़की को नहीं पाल सकते तो फिर हमें पालने वाली लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। करेक्ट, फटाफट मुहूर्त देखना शुरू कर। हम जैसे गधों के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत है क्या? ए प्रोसीड। उसका तू एड्रेस दिला, ओ मेरी अल्लाह ओ मेरी मौला, उससे मुझे तू मिला। कहाँ है वो पाला मेरी चारू शीला, हर दिल का गाला। मारो 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 मस्का मारो। मारो 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 मस्का मारो। हरे हरे रामा हरे हरे कृष्णा, उसका तू एड्रेस दिला, ओ मेरे अल्लाह ओ मेरे मौला, उससे मुझे तू मिला। चेजिंग यार, चैटिंग तो चैटिंग यार, कैसे भी करके उसको है पाना। इंडिया अमेरिका यार, जाना हो लंदन यार, हैप्पी रहूंगा वो होगी जहां। लाइफ सेटल हो जाए मारो इसके लिए यार मस्का, रिस्क के लेके चाबी मारो इश्क दार पे मस्का। हे चाहे हो जाए कुछ भी कर दो, इक जमी और आसमान।
उससे मुझे तू मिला। इसीलिए तुम हमको पसंद आई और हम यहाँ चले आए। कंपनी वाले तुम्हें कहाँ पोस्टिंग दिए? न्यू जर्सी में। आहा, गाय के रूप में तुझे कामधेनु मिल गई। कामधेनु का मतलब? अरे यार, पुराने जमाने का एटीएम। कब जा रही हो? 2 महीने के बाद। अरे अगर तुझे उस लड़की को पटाना है तो तेरे पास सिर्फ 2 महीने है। वेरी शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर नहीं गधे, शॉर्ट टाइम। जो भी हो, जितनी जल्दी हो सके लड़की पटा ले। जाके बोल दे। लेकिन क्या बोलूं? जाके बोल आई लव यू। मैं उस लड़की को क्यों आई लव यू बोलूं और मैं वहाँ क्यों जाऊं? अबे तू जा रहा है कि नहीं जा रहा? बम फटने से पहले टेस्ट फायर करवा रहा है। जा। नहीं जाऊंगा। माय सीट इज थैंकफुल टू योर सीट। दैट्स ओके। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए टेंशन हो रहा है। मेरा है। चाहिए तो ले सकती है। टाइम क्या हुआ है आपकी घड़ी में? 8:30 AM या PM? सुबह है ना तो PM ही होगा। आप बहुत सुंदर हो जी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मुझे प्रपोज करना है क्या? आई लव यू। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? यू यंग, आई एम यंग, सो आई एम ओके। क्या कहूं मैं? यंग। तुम्हें एक्सेप्ट करने से पहले तुमसे 3 सवाल करूंगी। हाँ हाँ करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है क्या? मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं है क्योंकि स्मोक एलर्जी है मुझे। और शराब? जब एलर्जी होती तो बदन पर लगाता हूँ। तो नहीं पीते? ओ, देवदास फिल्म में पीता था वो तो मुझे आदत नहीं है। वैसे वो ब्रांड भी बंद हो गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन, कभी किसी लड़की के प्यार में नहीं गिरे? हाँ गिरा ना, पहली बार बाइक से गिरा, दूसरी बार बस से गिरा, तीसरी बार आपको देख कर टेंशन में गिरा। यूजलेस फेलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी लोग बहुत यूज करते हैं, अभी भी मैं दूसरे के लिए आया हूँ। क्यों रे? तो फिर मैं आपके लिए ओके हूँ क्या? Shut up. ए मिस्टर सुनो, मैं जिस लड़के से प्यार करूंगी उसे सिगरेट पीना चाहिए और मेरे लिए छोड़ना चाहिए, शराब भी पीना चाहिए और मेरे लिए छोड़ना चाहिए। ऑलरेडी उस लड़के को किसी से प्यार होना और तुम्हारे लिए ताजमहल बनाना चाहिए और फिर तुम्हें पागल होना चाहिए और इलाज मुझे करना चाहिए। मतलब मैं पागल हूँ? वो तो हो, वो तो क्लियरली दिख रहा है। इडियट। सुनिए, आप तो बहुत अच्छी हैं जी, मैंने सोचा था आप कान के नीचे बजाएंगी। सुनिए, आप लेफ्ट हैंडर हो क्या? अगर राइट हैंड से मारती तो मेरे कान का पर्दा फट जाता।
पूरा हुआ, अब जाना। रास्कर लड़की कैसी है बे? लड़की अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, वर्कआउट नहीं हो सकती। वर्कआउट करने के लिए वर्क करना पड़ता है। चल वर्क करते हैं। नो अंकल, इस जन्म में हम लोग नहीं मिल सकते, ये रिश्ता टूट गया है। अंकल प्लीज मुझे और मीनू को मिलाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अब प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बहुत हो गया अंकल, उसके साथ बिताए हुए कुछ पल बहुत है। मीनू, मैंने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया, सिगरेट मेरी जान थी, तुमने मना किया, मैंने छोड़ दी। कभी कभी दोस्तों के साथ एक दो पैक विस्की पी लेता था, तुमने कहा छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। तुमने बोला हुआ हर काम मैंने किया। मीनू, अब तुम्हारे और मेरे बीच यही होना था, यही हो रहा था। मीनू हे भाई, एक क्वार्टर देना और एक सिगरेट पैकेट। एक्सक्यूज मी, मैं कब से देख रहा हूँ तुम मेरे आगे पीछे घूम रही हो, मुझे प्रपोज करने का इरादा तो नहीं है? प्लीज रुकिए ना, आप फिर से सिगरेट और शराब क्यों पी रहे हो, जबकि आपने मीनू के लिए सिगरेट और शराब छोड़ दी थी ना। तुम्हें मीनू के बारे में कैसे पता? जब आप अपने अंकल से फोन पे बात कर रहे थे तब मैं सुन रही थी। वो सब तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये सब पूछने वाली तुम होती कौन हो? आप जब अंकल से बात कर रहे थे मैं सुन रही थी। क्या हम फ्रेंड नहीं बन सकते? फ्रेंड? हर लड़कियां ऐसी होती है, पहले फ्रेंडशिप कर दिया, फिर लव कर दिया, फिर लव ट्रैप। छी, तुमने मीनू का नाम लेकर मेरा मूड खराब कर दिया। अरे सुनो तो, मैं पैर पड़ता हूँ, यह मिनिस्टर राजशेखर का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर है, फोन का। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए ना प्लीज। अब हटो। देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो क्या होता, इस दुनिया से चला जाता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर तुम प्यार करती तो पता चलता, प्यार करती तो पता चलता। ए मिस्टर, इधर आ, हाथ हटाओ, ये हाथ, दोनों हाथ। ट्रेन में तुम्ही ने प्रपोज किया था ना? या क्यों? शहर की सारी लड़कियां मुझे टच करती है। तेरी तो ज्यादा टच करना भी अच्छा नहीं लगता। जा स्टुपिड। तो इसके लिए क्या कोई प्रिंस आएगा क्या? सॉरी यार, अपना सॉरी अपने पास रख, मुझे तेरा प्लान समझ में नहीं आया। तूने लाइब्रेरी में अंकल का एक नया कैरेक्टर पैदा किया और पर्स ओपन करके एक नई लड़की के कैरेक्टर को जन्म दिया, ये सब क्या है? क्या हुआ? वो है क्या? एप्पल की तरह है। ये पासपोर्ट कौन है? ये कोई मामूली पासपोर्ट नहीं है बे, मंजू के साथ प्लेन में चढ़ाने वाला पासपोर्ट है। ये फोटो कहाँ से लाया? मैंने बताया था ना, एक पागल के इंटरव्यू के लिए गया था, तो उसने गुस्से में आके मेरे मुंह पे ये फाइल मारी। उसने रॉन्ग फेंका, लेकिन तुमने करेक्ट कैच किया। हेलो, हाय, मैं मंजू बोल रही हूँ। कौन सी मंजू है भाई? अरे वही अपनी एटीएम, वही दोपहर को रोड पर लॉरी। अच्छा तो वो मंजू हो, लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? रोड पे आपका विजिटिंग कार्ड गिरा था ना, किसी पोस्टमैन ने दिया था। मीनू और आपकी लव स्टोरी, क्यों एक दूसरे से जुदा हो गए? मुझे आपकी लव स्टोरी सुननी है, वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अबे, तुमने फिर मीनू की याद दिला दी, अब मैं अपना सर पटक के मर जाऊंगा, फिर भी मुझे नींद नहीं आएगी। इसको कट कर। इस तरह से फोन क्यों काटा? अभी हम लोग कट करेंगे तभी तो आगे कनेक्ट होगा, और फिर से कनेक्ट नहीं हुआ तो नहीं होगा। हाय मंजू, आई एम ऑल्सो फ्री, लव फॉर सेल 100% डिस्काउंट। हाँ बोलो। कौन था वो? नहीं ऐसे ही कोई रास्ते का भिखारी। ओके ओके ओके, उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, 1 बजे या 2 बजे। कभी भी। हेलो। हाय, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं था, आई वॉज विद मीनू। आपने मीनू को तो नहीं देखा है ना? मीनू मिस इंडिया की तरह है। वैसे आप दोनों में प्यार कैसे हुआ? 2004 में एग्जाम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सीट खाली थी, तो मैं इटली गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो लंदन में है ना?
ब्रिज सिर्फ लंदन में नहीं बांधते, उसके ब्रांच इटली में भी होते हैं। उसका एक नया ब्रांच वहां खुला है। ओके ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं नहीं बताता। बताइए बताइए सर। अरे मिनिमम जनरल नॉलेज भी नहीं है। ओके ओके सॉरी सॉरी प्लीज बताइए। ओके 2004 इटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। Let the dogs out. Who let the dogs? Yeah? I'm Hancock, owner of this shop. Help me with the price. How much? Too much. Too much? Your boyfriend. Too much. Hey! I'm sorry. Stupid. Sorry. ये क्या? पहले ही misunderstanding हो गए? पहले मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना। एनीवेज तो उसने सॉरी बोला। ये स्टोरी तुम्हारी है या मेरी? आपकी। तो फिर तुम आगे क्यों जा रही हो? सॉरी 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 मैं पीछे आ गई। अभी कहाँ पर हो? आपके सामने। तो मेरे पीछे आ जाओ। आ गई। चलो अब मुझे फॉलो करो। हेलो 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 हे कॉबॉय। आई एम नॉट कॉबॉय, I'm cowbagger. Okay. Did you hear any girl yelling out here? Yeah, I heard. Where? I want something, na? I like your specs. Where? There. अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? Hey, 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 man, the specs is mine, है ना? चुप रहो. Hello. Excuse me. Hey. आप चाहिए मतलब इस intention से नहीं आया था. मुझे आपको बस sorry बोला था. उस दिन एक इंडियन लड़की ने कहा कि मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं आपसे सॉरी कहने आई हूँ। वाकई? यानी आप मुझे मारने तो नहीं आई ना? या ओके बाय। एक्सक्यूज मी, या सॉरी बोलने वाली थी ना? ओ सॉरी। सॉरी उसने आपको आके सॉरी बोला, इसका मतलब वही आपके लव का स्टार्टिंग पॉइंट था ना? नो, जस्ट मेल्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तब था जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संक्रांति की हॉलीडेज थी और मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संक्रांति की छुट्टी मिलती है? छुट्टी मिलती नहीं, लेनी पड़ती। ओके ओके ओके। आप दोनों एयरपोर्ट पे मिले थे ना? करेक्ट। हे 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बैग, मेरा कैश। कूल 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 कूल, मैं मेरा बैग चोरी करके भाग रहा हूँ, उसे पकड़िए। वो लाल टी-शर्ट वाला। That's my girlfriend's bag. Oh, your girlfriend? Take it. Why you are getting so serious? I need some money. My boyfriend's birthday. I have money. Columbus, Columbus. Hey, gentlemen, come here, come here, come here, come here. I've seen you somewhere in India. Oh, he's my brother. I'm mad in Africa. He's mad in Andhra. Ding 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 ding. Hey. मेरा पासपोर्ट, कैश, सब कुछ है ना? थैंक यू सो मच, यू आर अ स्वीटहार्ट। थैंक गॉड, अगर आप मेरा पासपोर्ट लाकर नहीं देते तो मुझे पूरी उम्र यहीं रहना पड़ता। तो मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोला तो उसने बैग दिया। गर्लफ्रेंड बोलने से कुछ फील हुआ क्या? आपने झूठ बोला इसीलिए फील हुआ। ओ मैं साफ कर देती हूं। नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपनी वाइफ बोलूंगा तो चलेगा ना? बिल्ला ओ बिल्ला तेरे लमे हम लुट आवे, बिल्ला है बिल्ला ओ बिल्ला। I'm not afraid of the dark.
चाहा मेरे दिल पे मेरे है लग गया और तुमको ही दिल के लॉकर में मैंने लग गया हाय बिल्लो रे अरे बिल्लो रे ओ बिल्लो रे बिल्लो तेरे लव में हाय मैं लुटिया वे बिल्लो ओ बिल्लो हाय बिल्लो यारा जिंदगी बदल दे आके मेरे जीवन में मेरी लाइफ गोल्ड कर दे सब भी धूप में आई है तू रिमझिम फुहार बनके रह जा मेरे दिल में जाना तू मेरा प्यार बनके तू है दिल धड़कन रे तू है मेरा तन मन रे तू है मेरी मोहब्बत रे मेरी चाहत रे मेरी हसरत रे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के जुदा होने का कारण क्या था मुझे क्या है कि अमेरिका जाकर ही जॉब करना था और उसका कहना था कि हम इंडिया में रहे और वहीं पर काम करें छे अब तुम ही बताओ अमेरिका में जॉब करना चाहिए या इंडिया में अमेरिका में उससे ज्यादा तो तुम अकलमंद हो उसने कहा कि इंडिया में जॉब करो और मैंने कहा मैं अमेरिका में करूं और इस तरह से हम दोनों का धागा टूट गया धागा बिछड़ गया I'm extremely sorry. इतने दिन तक अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताई लकीली तुम मुझे मिल गई मैं चाहता हूँ तुमसे क्लोज हो जाऊं इसलिए बताया आज मुझे बड़ी रिलीफ हो रही है आपके कोई अपने नहीं है नाम के लिए एक भाई है वो भी मेंटल और उसकी कमीनी टाइप की बीवी देखने में तो बड़ा स्ट्रिक्ट लगता है लेकिन किसी काम का नहीं है वो क्या कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड उसी टाइप का एक्सक्यूज मी टाइम क्या हो रहा है जब आपने हाथ में घड़ी पहनी है तो इनसे क्यों पूछ रहे हैं नहीं टूट गया है और खराब हो गया है एनी डाउट मुझे मालूम होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है होना चाहिए कौन था वो पता नहीं कौन है लेकिन मेरे भाई की तरह पागल है चलो चले अरे मेरी बाइक अरे मुझे क्यों मार रहे हो मुझे क्यों मार रहे हो सुनो सुनो ये मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था तुम मुझे छेड़ोगे अरे चलो 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 अरे वो तो कमरों को
भाई भाई तुम हमें कैसे भी बचा लो। हम दोनों लवर्स हैं और ये गुंडे हैं। बाजू हटो, हमें जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 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 प्लीज हमें बचाओ ना भाई। क्या कर रहे हैं भाई? मैंने आपको स्टोरी बताई, आप मुझे ही मार रहे हैं। यही विलन है। नमस्ते अन्ना। ये मेरा आदमी है, कुश्ती लड़ने के लिए तैयार कर रहा हूँ। सूरपा बना दो उसका। भाई देखो भाई, नहीं भाई मुझे मत मारना। देखो नहीं भाई। क्रिश, आर यू ओके? तुम्हें इतनी ताकत नहीं है, चलो चलते हैं। फाइट की उसने? किसने फाइट किया? फाइट की उसने, मस्की जैसी फाइट थी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चढ़ गया, मेरे मन पे चढ़ गया। अभी मैं फिक्स हो गई, सुबह उठते ही आई लव यू बोल दूंगी। हाय, यू नो समथिंग, मंजू मेरे प्यार में पड़ गई, कल ही मैं उसे आई लव यू बोल दूंगा। सो कल से मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मंजू, कम। अच्छा। अरे बस यहाँ बैठो ना। अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। Actually I'm feeling shy. Shy? Why shy? चल। Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Actually, I love. Bolo na. Bolo na. वो क्यों आए? कॉम्प्रोमाइज करने आए हो क्या? तो फिर तुम्हारे बगल में क्यों बैठे? फिर भी एक बार बात तो करो। तुम बात नहीं करोगे तो मैं बात करके कॉम्प्रोमाइज करूंगी। एक्सक्यूज, तो फिर बात करो।
ओके ओके, हो गया सो हो गया। हमारा प्यार सच्चा हो तो बताओ, हाँ कुछ भी बताओ। मुझे मुझे रात को नींद नहीं आती, डे में ड्रीम्स आते हैं, दिन में सपने आते हैं। फिलहाल मैं माउंटेन एज में हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और स्टेशन आ गया, देखा मैं बात कर रहा था और वो उतर के चली गई, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने पागलों की तरह प्यार किया, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। योर मिस्टेक, वो आपको चाहती है इसीलिए बगल में आकर बैठी, वो आपसे अकेले बात करना चाहती है इसीलिए फाइल छोड़कर चली गई। ए, इसमें लॉजिक नहीं है, ये सही नहीं है। लॉजिक करेक्ट है, ये फाइल देकर उससे बात कर लीजिए। मंजू, ए मंजू, वैसे अब तो कुछ भी कर ले, वो फाइल तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तो क्या हुआ, तू याद कर, तू तो कहीं ट्रेन में रेस्टोरेंट में कहीं तो भूल आई होगी, कुछ तो याद कर। ए, अब रोने से क्या फायदा? कुछ नहीं, मैंने सोचा था ये जॉब मिलने के बाद माँ का ऑपरेशन करवाऊंगी। उसमें क्या है, टेंशन मत ले, एमबीए को जाकर समझा दे कि एक वीक में डुप्लीकेट पेपर जमा कर दूंगी। ये सब क्या है, ये ओरिजिनल मार्क सर्टिफिकेट किसके हैं? कौन है लड़की? बोला था ना लेफ्ट साइड में एक लड़की बैठी थी, उसका है। पर्टिकुलर तू लेफ्ट साइड ही बोल रहा है? राइट साइड में दूसरी बैठी थी इसलिए। तू उन दोनों के बीच में क्यों बैठा था? किस्मत फूटी थी मेरी। अगर तेरी भाभी को पता चला ना। ए जी, ओ तुम दोनों इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? 11 1 12 12 21 22 9 81 77 54 12 841 21 54 1 8229। एजी, तुम्हारे नंबर की भाषा मुझे समझ में नहीं आती क्या? तुमने क्या कहा? भाभी को मत बताना। और आपने क्या कहा? उस चुड़ैल को पता चला तो सर पे बैठेगी। फिर मैंने क्या कहा? टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा, अगर घर के बाहर कोई निकला तो टांगे तोड़ दूंगी। बगैर सर्टिफिकेट के कोई समझदार आदमी जॉब के लिए अप्लाई करता है क्या? मुझे अकल है, मैं एक हफ्ते के अंदर डुप्लीकेट लाकर दे दूंगी। मैं आपको कितनी बार बोलूं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलने तक इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग में रख दो ना। लड़की को देखते ही लोग समाज सेवक बन जाते हैं। सर, वन चांस। जाओ यहाँ से। पहली बात, तुम्हारा नाम ही वेटिंग लिस्ट में था। प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट कैंडिडेट को देना चाहिए, यही कंपनी का रूल है। मेरे काम को मत बिगाड़ो, जाओ। हेलो मीनाक्षी, आप ही है ना? अपनी फाइलें कहीं भी छोड़ के जाती हैं? ट्रेन में मिली थी, अच्छा हो इसलिए लाके दे रहा हूँ, थोड़ा चेक कर लीजिए। बस सब है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इधर ही रहिए, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। Everything is fine. Next. ये देखिए, मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स मिल गए। क्या 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 बोल रही हो? ओके, तो मैं HR डिपार्टमेंट में जॉइनिंग रिपोर्ट देकर कल 24 ज्वाइन कर सकती हूँ। अरे अरे अरे, सुनो, अरे सुनो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, आपसे आपसे थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई गॉट दिस जॉब। ये जॉब मुझे नहीं मिलता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती। आई विल गिव यू अ ट्रीट, स्मॉल ट्रीट। हाँ, आप सोच रहे होंगे ना मैं कौन हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन है, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन आज हम दोनों यहाँ बैठकर कॉफी पी रहे हैं। सब डेस्टिनी है। मेरे साथ आजकल कुछ भी हो रहा है, मैं कैसे? ये क्या, आप कॉफी स्ट्रॉ से पी रहे हैं? उप्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना ट्विस्ट मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। हमने क्या सोचा था, अभी ये तू है और ये मंजू है। अगर तू मंजू को पटा लेता तो टक 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 अमेरिका पहुंच जाता, लेकिन ये फोटो वाली लड़की को पटा के जानता है टक 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 करके वहीं पहुंच गया। पहले मंजू वहां चली गई, तेरे प्यार को क्या हो गया, अमेरिका कहां चला गया, अब इसका क्या हुआ? तो क्या हुआ, क्या हुआ क्या? मैंने सोचा था तेरे पीछे पीछे मैं भी अमेरिका पहुंच जाऊंगा, अब तो स्ट्रीट लाइट के नीचे भजिया ले लो, बड़ा ले लो, मसालेदार चटनी है, ऐसा बोलना पड़ेगा। हमारे हाथ में क्या है, सब कुछ डेस्टिनी है। अरे भाई, अपने आप को महान ज्योतिषी समझ रहा है जो डेस्टिनी की बात कर रहा है? अरे
हम लोग टिकट खरीदते किसी स्टेशन के लिए और उतरते हैं किसी और स्टेशन पर। हो जाता है कभी कभी ऐसा। अच्छा ट्रेन फिलोसफी हाँ? तो तू ऐसा कर, कल माधापुर की ट्रेन की टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जा, फिर तू कौन से स्टेशन पे उतरता है देखता। देखा ना अकेला ही बैठा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, जाकर तो बात करना। सीट खाली हो तो उस पे जाकर बैठ जाना चाहिए। सोच क्या रही है? मैं जाकर बैठूं? अरे बैठ जा। हाय, आप यहाँ पे? मैं वहाँ पर बैठी थी, आपको देखा तो आ गई। हाँ, क्या आप हमेशा इसी ट्रेन से जाते हैं? या, सेम ट्रेन। ओ, उनका ऑफिस इसी रूट पर है? या। आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? लक्स, लक्स। लक्स? या। ओके, एमडी? उससे थोड़ा कम। सेल्स मैनेजर? उससे थोड़ा ऊपर। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे होंगे? आपने डिग्री कहाँ से ली है? कैम्ब्रिज? हाँ? लंदन? I know it। कुछ लोग सोचते हैं वो इटली में। अभी क्यों फील कर रही हो? मुझे क्या पता था? तुम्हें कैसे नहीं पता? फाइल तो तुम्हें दिखाया था ना, और उन दोनों को मिलाने की कोशिश भी तुम्हें की। वही तो गलती की मैंने। मेरा स्टेशन आ गया। मेरा नेक्स्ट स्टेशन है। बाय बाय। बाय। देखो कैसे हज के कुत्ते की तरह पीछे पीछे जा रहा है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुनरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। नाम क्या है बेटी? मीनाक्षी। उसका नाम? कौन? वो जो तुम्हारा पल्लू पकड़कर शर्माते हुए खड़े हैं ना उनका। आपकी चुन्नी मेरे ब्रेसलेट में फंस गई। इसीलिए आप यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे। ओम शिव 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 हरि भोलेनाथ। रंभा क्या हुआ? रात को नागेंद्र स्वामी का सपना आया था। जाओ उस पेड़ के 101 चक्कर लगा के आओ। ए जी ऐसी हालत में? सपने में कौन आया था मालूम है? तुम्हारे गांव का नागेंद्र स्वामी। क्या हमारे गांव के म्युनिसिपल ऑफिसर नागेंद्र स्वामी? तो सोच क्या रही हो? अगर ऐसी बात है तो 100 क्या 1000 करूंगी। जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। I'm sorry जी, गलती से पुजारी ने ऐसा कह दिया। आप दोनों यहाँ आएंगे तब कहना चाहिए उसने हम दोनों के लिए कह दिया। नो प्रॉब्लम। वही आप और आपकी गर्लफ्रेंड? मंजू, उसको मंदिर में आना अच्छा नहीं लगता। वो आपकी तरह संस्कारों को मानने वाली नहीं है, वो तो थोड़ी सी क्रैक। पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अरे अरे पूछिए ना। ट्रेन में आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्या है? मैं हिंदी फिल्म देखना चाहता हूँ, वो इंग्लिश देखना चाहती। मैं शांति के लिए मंदिर आना चाहता हूँ, वो पब और डिस्को में जाना चाहती। ये सब सिली प्रॉब्लम्स है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम तो अमेरिका की वजह से है। उसे अमेरिका पसंद है, मुझे इंडिया पसंद है। अरे इंडिया में ऐसा क्या नहीं है जो अमेरिका में है? छः, सॉरी, उसके साथ रहकर मेरी भी बॉडी लैंग्वेज खराब होती जा रही है। अब आप ही मुझे बताइए, इंडिया बेटर है या अमेरिका? अगर आप नींद में भी पूछेंगे तो यही कहूंगी इंडिया बेस्ट है। देखा आपने, हम दोनों के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। हमारा किस्मत कनेक्शन भी हो सकता था ना। आप मुझे इतना लेट क्यों मिली? आप जैसी सपोर्ट करने वाली लड़की काश मुझे पहले मिली होती। श्री कृष्ण भगवान जो है सभी गोपियों से कहते थे कि तुम सभी मेरे हृदय में रहते। अच्छा ड्रामा कर रहा है। तो आपके मम्मी डैडी? मेरे मम्मी डैडी इस दुनिया में नहीं, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। हे भगवान, आपका कोई नहीं है? एक भाई, निकट्टू बेकार सा, फटे हुए नोट की तरह, छोटे सिक्के की तरह, बिना हैंडल के कप की तरह। अरे भाई छोटा नहीं है। जाओ यहाँ से। भाई पिताजी के ध्यान में हो, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? देखिए ना। टाइम क्या हुआ? आपकी प्रॉब्लम क्या है? पुजारी जी क्या हुआ बेटी? इन्हें टाइम जानना है, अपनी घड़ी में देखकर बताइए तो।
अरे वो जालिम, मंदिर में आकर टाइम पूछती है, मंदिर में आई है तो वर मांग के जाने का। रुको 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 बेटी, दरअसल मैटर क्या था, इसने उस लड़की को इसने उसने क्या लगा रखा, पुजारी का गुस्सा हम पर उतारा। रुक मीनू, तुम जाके ऑटो में बैठो, तब तक मैं इसकी धुलाई करके आ रहा हूँ। चार नहीं छह लगा करो, टोटली मेंटल। हाँ, चल। मैया, मुझे माफ कर देना। कृष्ण लीला का अगला भाग अगले हफ्ते इसी दिन। मीनू, एक्चुअली कल आपके साथ मंदिर जाकर कुछ अच्छा नहीं हुआ, बुराई हुआ। उसने अमेरिका जाने का टिकट खरीद लिया, वो जा रही है। I know love is blind, love is मतलब ही, मुझसे कोई बेटर मिल गया इसलिए वो जा रही है। छे। आप इतना फील क्यों कर रहे हैं, उसने आपको दूर किया, उसे फील होना चाहिए। ये क्या हुआ? छोड़ो, बारिश होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। बारिश की एक बूंद को पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें भीगने नहीं दूंगा। आ जाओ, 1 2 3 काउंट करो। 1 2 3 दिल ये खोने लगा, कुछ तो होने लगा, जादू चलने लगा, मैं बदलने लगा। देखो क्या हो गया, सब लगे है नया, सच है क्या? I'm in love, 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 love. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. दिल ये खोने लगा, दिल ये खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हा 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 भी ले जाइए। बाय। फ्रेंड है या फ्रेंड से कुछ ज्यादा है? मैं उन्हें पसंद करती हूँ। पसंद है या प्यार करती है? कोई है जो मुझे कर रहा मुझसे दूर, उसकी आँखों में है कोई जादू सारू। ख्वाबों में तुम हो, तुम ही हो सामने, तुमको मेरे ही लिए बनाया मेरे राम ने। देखा तुमको देखता रह गया। I'm in love, 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 love. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Wow, oh, 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 oh.
खुशी करती है मेरे दिल से सौ बातें, चुपके से तेरी आंखें कई देती सौ बातें, दिल चुराती है तेरी हया। I'm in love, 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 I'm in love. Hey, क्या रे तू सिगरेट इधर पी रहा है? सारा सामान इधर पड़ा है। फोन का इंतजार कर रहे है। तू कर सकता था ना? हमारे पास नंबर नहीं भाई। जब तक जीजू नहीं रहते तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। एक दर्जा पान दे। क्या भाई, एक पान के लिए पूरी दुकान तोड़ दी मेरी। तेरी साले कितने दिन से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं? साहब आपकी दया से ही तो मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। क्या को झगड़ा करता है? देखिए सर, ये मेरी पूरी दुकान तोड़ रहे हैं। सर ने सिर्फ पानी मांगा था ना, इनको दे दे, लेकर जाइए सर। भाई साहब एक मिनट, इन लोगों को कहीं आपने देखा है? क्यों ढूंढ रहे हो? मर्डर करके भागे। मर्डर कहाँ पे? तेरे को मालूम है क्या? नहीं बस ये बता मेरे को। अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई, मेरे पास एड्रेस भी है। कौन था भाई? जीजा से मिलना है, जल्दी गाड़ी निकाल। उनको मालूम नहीं था कि आपका आदमी हूँ, उन्होंने आपकी फोटो दिखाई, मुझे शक हुआ और मैंने अटैक कर दिया। मैंने जो गलती की है उस फोटो में जो आदमी है वही सबूत है। शिवाजी इसकी पब्लिसिटी इसलिए कर रहा है कि मिनिस्टर की कुर्सी मुझे ना मिले, शिवाजी ऐसा ही चाहता है। मैंने सोचा था कि वो एक ही रूट में आएगा, लेकिन वो इस रूट में आएगा मैंने नहीं सोचा। सुनो, वो फोटो में जो आदमी है वो उनको नहीं बल्कि मुझे चाहिए। कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग अच्छे होने का नाटक करते हैं। सॉरी, मैंने आपकी परमिशन के बगैर आपकी फोटो डाउनलोड की। एक्चुअली आपकी फोटो मुझे मम्मी पापा को दिखानी थी। आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे पसंद करेंगी तो। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, सॉरी। आपके लिए मैं कितने दिन भी इंतजार कर सकता हूँ? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सही कहा, अगर कोई सही तरीके से पूछता है तो आप जैसी लड़कियों को पसंद नहीं आता। आप अपने दिल के अंदर किसी और को रख के मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। हट, वो एक चीटर है। ऑलरेडी वो किसी लड़की के साथ घूम फिर के चीट कर चुका है, अभी वो आपके साथ घूम रहा है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिश। अभिषेक, do you even know what you're talking about? Krish is my best friend, yes. So you better don't speak about him anything. He is highly qualified and dignified. Highly qualified? Yes. He's qualified from the Cambridge University. One second, I'll show you. ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये बहुत ही कमीना इंसान है, इससे जितना दूर रहो उतना बेहतर है, नहीं तो डुबो देगा। एक बात बता, आज तू दिल खोल के नाच रहा है, बात क्या है? आज मैं मंजू को अपने प्रपोजल के बारे में बताऊंगा। अरे बाप रे, तू मंजू को प्रपोज करने वाला है? तू क्लियरली सुन, आज मैं मीनू को प्रपोज करने वाला हूँ। हाँ। और ये बात मैं मंजू को बता चुका हूँ। हाँ। इसलिए मैंने यहाँ मंजू को बुलाया है। हाँ। मैं उसे सॉरी बोल दूंगा। अरे
तूने गलती से मंजू की जगह मीनू को तो फोन नहीं किया ना? मैं ऐसी बातों में क्लैरिटी मेंटेन करता हूँ। उधर देख और क्लैरिटी आ जाएगी। ये यहाँ कैसे आ गई? आइडिया तेरा है, फोन तूने किया था, मैं क्या बोलूं? तो एक काम कर, मंजू को फोन कर, उसे बोल मेरी भाभी की डिलीवरी, मैं हॉस्पिटल गया हूं, मैं इधर नहीं आ सकता, तो तुम भी बताना। चल जल्दी फोन करो। ए मंजू अगर पूछेगी कि लड़का हुआ है लड़की हुई तो क्या बोल? अरे कुछ भी मैनेज कर ले। हाय, मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था। मीनू मीनू मीनू, तुम जनरली ऐसी जगह नहीं आती हो ना, इसलिए मैंने, मुझे एक छोटा सा प्रपोजल बताना है। प्रपोजल? यहाँ पे बहुत शोर है ना, हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो। अरे तुमने कुछ मंगवाया नहीं? वेटर, वेट, आई विल जस्ट गेट यू समथिंग। क्या क्या हो रहा है? कंटीन्यूअसली एंगेज आ रहा है। कुछ भी कर, लेकिन मंजू यहाँ नहीं आनी चाहिए, वो आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, रिंग जा रही है। देख तू कैसे भी मैनेज कर, मीनू वहाँ वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ। हेलो, कट क्यों कर दी? हाँ अभी बताओ मीनू, क्या प्रपोजल है बोलो। आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए बैठिए, बैठिए। हेलो, हेलो, आप मंजू बोल रही हैं ना? हाँ मंजू बोल रही हूँ बुज्जी। हाँ मंजू, एक्चुअली आज वो पब में नहीं आ पाएगा, एक्चुअली उसकी भाभी की डिलीवरी हुई है, वो हॉस्पिटल गया है। अब लड़का हुआ है लड़की हुई है मुझसे मत पूछना, तुम प्लीज पब में मत आना, प्लीज मत आना। ठीक है बुज्जी, मैं नहीं आऊंगी, अब बंद करो। मोबाइल बंद करो ना। नहीं तुम्हारी बात। Hey girls, love for sale, 100% discount. अरे बाप रे। ए ब्लैक कैप, इधर आओ, इधर आओ। भाई सब उल्टा हो गया भाई। ए तुम खड़े क्यों हो? बैठो। सर से क्या बात कर रहे थे? आप परमिशन दो तो यहाँ से भागने की सोच रहा हूँ। ट्रैंक ट्रैंक। हेलो, हाँ धोनी, स्कोर क्या हुआ? युवराज अभी आउट हो गया, मैं अभी आकर बैटिंग करता हूँ, नेक्स्ट बैटिंग मेरी है, बैटिंग करके आता हूँ भाई। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? काउंसलिंग के बारे में कुछ पता है? काउंसलिंग वर्ड कभी सुना नहीं है ना, सिर्फ प्लस टू हो ना, इसीलिए पता नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था? इससे कहानियां मत सुनाओ। हमारे साथ डबल गेम क्यों खेला? मेरी फोटो दिखाकर इससे झुटका और इसकी फोटो दिखाकर मुझसे। ऑफिस से तुम्हारे बारे में पता चला इसलिए मंजू से मिलने गई, अगर हम नहीं मिलते तो। अब मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, मैंने जब पहली बार मंजू को देखा तो सोचा कि वो मुझसे प्यार करेगी। नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने तुम्हें देखा, जब मैंने तुम्हारा फोटो देखा था, फोटो मैंने मंजू को दिखाया था, दिखाया था ना? हाँ दिखाया था। उसके बाद हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, उस दिन मंजू मुझे प्रपोज करने वाली थी, उसी दिन फोटो वाली लड़की यानी तुम मेरे बाजू में आकर बैठ गई, तभी मंजू तुम्हें देख रही थी और तुम मुझे देख रही थी और मैं मंजू को देख, मीनू और मैं, लेकिन ये सब बात जाने दो, इसमें ये। तुम जैसे धोखेबाज लड़की के लिए मेरी आंखें इंतजार करती थी। दोस्त के नाम पर तुम एक बहुत बड़ा दबाव, ब्लडी चीट। मीनू एक्चुअली मैं यहाँ क्यों आया हूँ पता तुम्हें? पता है मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि मैं तुम्हें इसी तरह याद रखूं, इसीलिए मारा है। उस टाइप की नहीं हूँ, समझे? उसका कोई नहीं है पर मेरे सब हैं। सिर्फ चाटा मार के नहीं छोड़ूंगी, बम से उड़ा दूंगी तुमको। अरे बाप रे, ये तो बम से उड़ाने की बात कर रही, लगता है इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन तुम तो एमपी बन गए, क्या बात है? ये कोई बुड्ढा आदमी तेरे को शूट करेगा, ऐसा किसी ने बोला तो तू डर गया, कौन है वो बता, मेरे साथ चल और चल के दिखा मेरे को, चल। ये मैच तो इंडिया हारी। भाई ये ब्रीफकेस आपका है? मेरा नहीं है। भाई ये आपका है क्या? मेरा नहीं है। अच्छा तो आपका है, आजकल इस तरह से लोग बैग में बम रखकर चले जाते हैं,
तो मैं ये सोच रहा था कि शायद यार कैसा है, थैंक्स भी नहीं बोला। डर मत, मौत क्या होती है तुझे दिखाना चाहता था। तुझे शाम तक के लिए लाइफलाइन दे रहा हूं। अगर सुबह तक तू यहां से गायब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें शाम का टाइम नहीं दूंगा। जाओ, चले जाओ। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो मुझे ही मिलेगा, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुड़ी पड़वा के दिन केंद्रीय मंत्री मैं ही बनूंगा। जीत की खुशी में शक्कर मेरे लिए और नमक तेरे लिए। ये सब किसका काम है भैया, बताइए ना, बताइए ना। कच्ची स्टेडियम में जो बम विस्फोट हुआ है उसमें 10 लोग घायल हुए हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज ग्लोबल अस्पताल में चल रहा है। यह बम विस्फोट आतंकवादियों ने किया है, ऐसा पुलिस का दावा है। दिन ब दिन हमारे देश में उग्रवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये हमला किस पर हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन किसने किया ये पता लगा कर रहूंगा। ए जी, क्या हुआ जी? नर्स ने जूस दिया था, आपने पिया क्यों नहीं? क्या हुआ जी, आवाज नहीं निकल रही है क्या? हाँ? तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके डॉक्टर को बुला के लेके आओ। ठीक है दीदी, तुम यही रहो, मैं डॉक्टर को लेकर आऊँ। ये पकड़िए। सर यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या? कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है क्या? ओह, कन्विंस हो गया, अब चलिए। नमस्कार जी। सर जिस दिन से बम ब्लास्ट हुआ है ये कमजोर हो गए, चलने फिरने लायक भी नहीं रहे, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा है और बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरी दीदी बहुत घबराई हुई है। इधर सब लिखा हुआ है। मेरी दीदी घबराई हुई है ये भी लिखा है क्या? तुगर, तुगर। नर्स, गो देयर। मुझे देखने दो, ठीक से खड़ी रहो। इसका पाँव उठाओ, जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। लाइक दिस। डॉक्टर, मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉक लगने की वजह से इनकी मांसपेशियां थोड़ी टाइट हो गई है। नो प्रॉब्लम। गारंटी क्या है? तुम्हारे फादर कौन? सुब्बा राव। गारंटी क्या है? नर्स, कम ऑन। तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे भाई ठीक है ना? अब समझा, उन दोनों लड़कियों के बारे में सोचकर दुखी हो ना। रात भर सपने में मीनू को ही देख रहा था मैं। तेरे सपने में मीनू आई, मेरे सपने में संजू आई, वो भी दो दो बम लेकर। अरे बाप रे, मुझे लगता है वाकई टेररिस्ट गैंग से संबंध रखती होगी। हट, क्या क्या? पेशेंट को एनपीसी दिया क्या? नर्स कहाँ हो तुम? चाकू लेकर आओ। अरे अरे, आराम से आराम से, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। क्या समझ रहे हो तुम मुझे? इस शहर का सबसे बड़ा मशहूर डॉक्टर हूँ मैं। आंख देखकर बता सकता हूँ कि उसकी मौत कब आने वाली है, नब छूकर बता सकता हूँ कि उसे क्या रोग है, और तुम ऐसे डॉक्टर को इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाए। आई आई, जल्दी देखिए। तुम कौन हो? वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। आइए ना, देखिए ना डॉक्टर। वो कौन है? ये इंसान ही है ना? हाँ। अब कोई फायदा नहीं,
आँख काम नहीं कर रही है, नाक काम नहीं कर रही है, मुंह काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वैसे भी बम ब्लास्ट बहुत दूर जाके मरना था ना। वो बम ब्लास्ट मुझे उड़ाने के लिए किया गया था। ओ नो, हमको ऐसा केस हैंडल नहीं करना चाहिए। ये पुलिस केस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया तूने? बता बता ना, तुझमें जरा से भी अकल नहीं है गधे। हाँ बता बता ना, अब मेरी बात सुन। पहले डॉक्टर साहब को सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। अब क्या बोलता? मैं क्या बोलता? इंजेक्शन करता। ए डॉक्टर, इंजेक्शन लगा। अरे इंजेक्शन तो लग गया भैया, आपको पता ही नहीं चला। हो गया ना? लग गया? जल्दी, मुझे पता ही नहीं चला। ये डॉक्टर तू बहुत अच्छा है, तू मेरे को बहुत अच्छा लगा, अब तू यहाँ पर रहेगा। ठीक है, रख लेंगे। अरे एक डॉक्टर को इधर रख लेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा बड़ा हॉस्पिटल भी है, बहुत मरीज भी है। अब क्या बोलेगा? मैं क्या बोलता? ए भाई, वो जो ऐसी रूम है ना, उसमें एक बेड, एक फ्रिज। क्या? नहीं चाहिए मुझे ऐसी रूम, नहीं चाहिए, मामूली रूम भी चलेगा, उसमें चटाई भी होगी तो भी चलेगा, मैं जाके मरूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, तुम इतने बड़े एमपी हो और आकर मेरे घर में छुप गए और डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अरे जिसने बम ब्लास्ट करवाया है वो कौन है? आपका उसका झगड़ा क्या है? वो सिम्हाचरण है और कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। वो दोस्त था? 20 साल पहले वो और मैं एक मिनिस्टर के पास पीए हुआ करते थे। वहाँ एक लेफ्टिनेंट की बेटी सरोज भी काम करती थी, वो वहाँ परिस्टनों का काम करती थी। सिम्हाचरण से बहुत प्यार करता था, उसके बाद उसने उस लड़की से शादी कर ली। राजनीति में तरक्की पाने के लिए करनौल में उसने एक और लड़की से शादी कर ली। सरोज को उसकी असलियत पता चल गई। सरोज बहुत स्वाभिमानी थी, वो अपने 1 साल की बेटी को लेकर हैदराबाद चली आई। अभी हम दोनों में से किसी एक को मंत्री बनने का चांस है। अगर मैं ये साबित कर दूंगा कि उसकी 2 बीवियां हैं तो कानूनन वो मंत्री नहीं बन सकता। लोकसभा के कायदे के अनुसार जिसकी 2 पत्नियां हो मंत्री पद का दावेदार नहीं हो सकता, इसलिए मैं मंत्री बन सकता हूँ। ऐसा क्या भैया, तो समझ ले मिनिस्टर बन गया। अब सरोजा भी मिलेगी और उसकी बेटी भी मिलेगी। माँ अच्छी हो ना? वो लड़का नहीं आया? डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना किया है, कहते हैं आपके लिए नीचे की ओर ही अच्छा रहेगा। मैं ऑपरेशन के बारे में नहीं, मैं उस लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। क्या हुआ बेटी? वो सब मैं भूल चुकी हूँ माँ, और तुम भी भूल जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? मैं बेवकूफ बन गई माँ। लेकिन तुमने कहा था वो तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड है, मैं तो सोच रही थी मैं उसे कब मिलूं। चलो खैर, मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी तो खराब नहीं हुई। मत रो बेटी। क्या बात है, हम लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेली बैठी हो? आई एम टोटली कंफ्यूज यार। तुम्हारा कंफ्यूजन मुझे पता है, क्रिश 2 लड़कियों को फंसा रहा है, इसके बावजूद मैं उसे क्यों पसंद करती हूँ, यही ना? हाँ, लेकिन फिर भी तुम उस लड़के को पसंद करती हो? मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर तू ऐसे ही पार्टी देती रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शट अप। उधर मीनू का जस्ट फ्रेंडशिप एंगल और मेरा फर्स्ट से ही लव एंगल। फिर उसका एंगल क्या है? लड़के हमेशा कंफ्यूज एंगल में ही रहते हैं, जहाँ पर कलर दिखते हैं वहीं गिर जाते हैं, नॉटी फेलोज। पता नहीं मैं उसके प्यार में कैसे पागल हो गई। वो मेरी जान है और मेरा एक ही इरादा है, उसे अपने प्यार में कैसे दीवाना बनाऊं। जीना मरना वे दुनिया तेरे
जहाँ भी हम जाएं तेरी ही तेरी याद सताए, मेरा हर रास्ता तुझसे ही मिल जाए। तुझको ही देखा है, कुछ भी तेरे सिवा होश है कहाँ। धड़कन दिल की, आँखों की तू ही रोशनी, तू जिंदगी, तू मेरी है दीवानगी। सौंपा है खुद को मैंने तो तुमको, तुम मेरे रबो, तुम ही प्यार मेरा हो। तेरे बिना जाने जाना नहीं हो रहना, तू ही मेरा जीना मरना वे। अभी तुम्हारे पिताजी कर्नूल से आए हैं, गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया। अरे अरे बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें देखे वो कितने दिन हो गए। साफ साफ साफ, ये दाहिने हाथ में कुकड़ाकु और बाएं हाथ में मैं, तो टेस्ट करके बताइए। ओके नॉट ओके। अंदर लेके जा। अरे रे रे रे, लड़की को देखो नना करते हुए भी इसको हॉस्टल में भर्ती करवा ही दिया। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, लंका जैसा तो हमारा गेस्ट हाउस है, हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए इसने खुद कहा था, उस वक्त तुमने भी इसका सपोर्ट किया। अच्छा चलो बेटे अंदर चलो, सब वेट कर रहे हैं। भाई साहब यही है मेरी बेटी मंजू। मंजू ये तुम्हारा होने वाला पति, इसे ध्यान से देख लो, नाम है हरी प्रसाद। ये इनके पिताजी, ये इनकी मम्मी। लड़का कैसा लगा? मुझे पूछे बिना इन लोगों को क्यों बुलाया? तुम्हें पूछने की क्या जरूरत थी, तुम अंदर जाओ। ये सब क्या है मामा जी, सब आपकी मर्जी से होगा। केंद्रीय मंत्री बनने के लिए तुम्हारे पिताजी पिछले 30 साल से ख्वाब देख रहे हैं, और इनका विपक्षी भी ख्वाब देख रहा है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम्हारी शादी इस लड़के से कराकर अमेरिका भेजना चाहते हैं। ये शादी मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे पिताजी बिना बताए कई लोगों का खून कर चुके हैं और कई परिवार को रोड पर लाकर खड़ा कर चुके हैं, ये पहला काम है जिसे बताकर कर रहे हैं। अगर तुमने इनकार किया तो बिना बताए बहुत कुछ कर सकते हैं। मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम। गुड मॉर्निंग। मंगलाय तनोहरी।
गलत बात बेटा, भगवान को कभी इंग्लिश में नहीं बुलाते। मैं तो आपको विश किया है सर। ऐसी बात है, तू बताओ बेटा अभिषेक करना है अर्चना? एक लड़की को झूठ बोलकर बहुत दुख पहुंचा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अर्चना या अभिषेक? तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हें माफ कर दे, इतना ही ना? अगर लड़की ने माफ किया तो समझूंगा भगवान ने माफ किया। माफ किया मीनू, मीनाक्षी, मीनू डार्लिंग, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं नहीं आती, तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना मुझे। मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, मैं क्या करूं? अरे बापे, ये क्यों फोन कर रही है? उसने इंग्लिश में गाली दी, अब पता नहीं ये कौन सा बम गिराएगी। मंजू मंजू मंजू, तुमने मुझे फोन किया इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? हेलो, मैंने फोन क्यों किया है पता है? पहले मुझे ये बताओ तुमने मुझे माफ किया कि नहीं? कहाँ पर हो? मंदिर में। क्यों? भगवान की कसम खाकर कहो कि मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। करूंगा। पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसलिए जो कहोगे करूंगा। बेटी दीप आराधना करनी है, दीप लाकर रखो। दीप धूपम समर्पयामि। ये कौन सा घी है भाई? ये गाय का घी नहीं है, मछली का करी है। साहब जी टेस्ट करके बताइए। ओके, लेकर जा लेकर जा लेकर जा। बोल रहा है यजमान, सुनिए यजमान, ये शुभ कार्य पूरा होने तक उसे कहिए कि अपना तेल बाहर ही रखे, नहीं तो यहाँ कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। अब लग्न पत्रिका पर। होशियारी मत करना। मैं यहां कोई मंगनी तोड़ने नहीं आया हूं, अभी मुहूर्त के लिए 10 मिनट बाकी है। आई जस्ट वॉन्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। ए जरा बात सुन, वो ट्रम्पेट मुझे दे। दे बे। एक्सचेंज ऑफर में रख ले। थैंक्स अंकल, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया ना, मैं ऐसा ही हूं, अगर अच्छा लगा हो तो हंसिए, अच्छा ना लगा हो तो भी हंसिए। कूल कूल। वंस अपॉन अ टाइम, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, शादी ऐसे नहीं हुआ करती थी। देखा, बेटी की शादी के लिए एम्बर रचाया करते थे, पब्लिक जमा हो जाती थी। उस वक्त ऐसे लड़कों की जगह युवराज आते थे, सारे युवराज अगल बगल में बैठते थे। अगर तुम युवराज हो तो तिलक लगाओ। थैंक यू युवराज। और स्वयंवर में आए हुए सारे युवराजों से छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते थे। कौन सा टेस्ट? हाँ मुझे पता है, तू सर पर सेव रखेगा या चाकू फेंककर उसे काटेगा। यस। तुम युवराज हो तो फल काटो, ये चाकू और फल का खेल है। बेटे तेरी इज्जत का सवाल है, काट दे। छी 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 छी, निशाना चुक गए, अब तुम्हारी बारी है, फेंको। इसको सर पे रखो, फेंको, काटो। दोनों समधी को एक एक हिस्सा दे दिया, ये लड़का पहले जमाने के वीरों जैसा है। करेक्ट, पहले के जमाने में बेटी की आंखों में कौन सा वीर बसा है बाप उसे पहचान कर ढूंढ लाते थे, उसी तरह आपकी बेटी में कौन है उसे पता करके उसे ढूंढ कर लाना चाहिए। और आप अगर मंजू के मन में ढूंढेंगे
तो आप सिर्फ मुझे ही पाएंगे। कुछ अभिषेक हो रहा है। प्यार ना जबरदस्ती पैदा होता है ना उसे मारा जा सकता है। फिर भी आप अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। यजमान, अगर ये मेरी बेटी होती तो सॉफ्टवेयर को नहीं इस हार्डवेयर को दे। सुनो, मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे कुछ नहीं हुआ? ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने सोचा वो लोग तुझे ऊपर से नीचे फेंकेंगे, पर तू तो ठीक ठाक आ गया। ये टीका क्यों लगाया? क्या हुआ था वहाँ? एक काम तो हो गया, चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? एक काम और करना है। अरे बाप रे, वो क्या है? बाद में बताऊंगा। सुनना, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे यहाँ टेंशन लगा रहा है। सर, मेरा पेमेंट। मैंने सोचा था कि उसको बहुत चोट लगेगी इसलिए एम्बुलेंस लगाया। आप पेशेंट नहीं तो पेमेंट का आएगी। तो तुम्हें पेशेंट चाहिए? ओके ना। इतनी सी चोट के लिए एम्बुलेंस में जाऊंगा क्या? उधर। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। अपने ऑफिस का कोई आदमी उसकी मदद कर रहा है। ये किसके आईडी से मैसेज पास हुआ है? बताओ, वो कौन गधा है? आप ही हो सर। राखी सावंत। सॉरी सॉरी, मेरे और मीनू को छोड़कर सब लोग यहाँ से बाहर जाइए। बाहर चले जाइए आप लोग। गो आउट। मैं इस तरह का देख काम कर सकता हूँ, तुम सोच सकती हो? नहीं। अरे बाप रे, मैं उसको देख लूंगा। वो ए क्लास का गधा है तो मैं बी क्लास का आइडिया बनाकर उसे सी क्लास के जेल में डाल दूंगा। तुम जाओ बेटी, तुम जाओ। मैं उसे देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। अरे महामंत्री जी, तुमने घर बैठे मेरे आईडी से कैसे मैसेज किया? रे इसके भाई या भाभी को कॉल करता हूं। मामा जी। चाचा जी, कहां से आवाज आई? मामा जी। कहां है रे तू? यहां से मामा जी। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? अरे तू मेरे सामने मेरी कुर्सी पे बैठता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? आपकी गोद में बैठ जाऊं? मैं तुम्हारी भाभी को, मैं मामी को फोन करूंगा। चाची को क्यों? भाभी को क्यों? तुम हमारे ऑफिस के मीनू के साथ लव कर रहे हो इसलिए? और आपका पेंसिल वाला गेम बता दूंगा। अरे तू किस दिन पैदा हुआ? अरे उस दिन सच में वो लड़की टेबल के नीचे पेंसिल ढूंढ रही थी। वो बात उस पेंसिल वाली लड़की से बुलवाओ। देखो लड़की आ रही है। हेलो रोही, उस दिन जब ये यहाँ आया था उस दिन तुम टेबल के नीचे पेंसिल ही ढूंढ रही थी ना? नहीं। नहीं तो क्या ढूंढ रही थी? अब मैं इसके सामने कैसे? ए, तुम क्या बोल रही हो? मेरा घर टूट जाएगा। गवाह को डरा रहे हैं। तो तुम गले में पेंसिल लगे कबूल करवा रहे हो? एक बात सुनो, मामी का नंबर है तुम्हारे पास? सर के सेल में चुड़ैल के नाम से सेल। चुड़ैल के नाम से? मैं ये भी बताऊंगा। ठीक से पेंसिल भी पकड़ने नहीं आती, चलो जाओ। चुड़ैल घर पर है? हेलो डेविल। अरे यार मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू इधर से जा यार। तू ये छोटे मोटे प्रयोग मेरे पे मत किया कर। बस इतना ही मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा मेरी कंपनी किसी को लेकर देने का प्लान किया होगा। रोही एक काम करो। ये बहुत अर्जेंट फाइल है, सर ने इसे पूरा करके जाने के लिए कहा है। okay. सिक्योरिटी। ये क्या, यहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी! अरे बात तो सुनो। यार तुम्हें तो, तुमने कहा था ना मुंह मत दिखाओ, इसीलिए मास्क पहन के आया। तुमने ऑलरेडी टॉप फ्लोर का बटन दबाया, ये नीचे नहीं जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। आधी रात को एक लड़की को डराते हो। आइए कल मंदिर में, अगर मुझे माफ कर दिया होता तो यहाँ आने की जरूरत पड़ती? माफ कर दूंगी तो चले जाओगी ना? इधर नहीं, मंदिर में पूरी भक्ति से कहना, क्योंकि यहाँ मैं पी के आया हूँ।
मीनू 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो मीनू मीनू अरे मीनू प्लीज मेरी बात सुनो मीनू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो क्या चाहिए तुम्हें मेरे बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है तुम एक बेकार लड़के हो तो यही फाइनल है हाँ ओके नो हार्ड फीलिंग्स मेरे घर वालों की भी मेरे बारे में यही ओपिनियन है इस किस्से को खत्म करने के लिए मैं ट्रेन में गया मंजू से लव करके अमेरिका जाने वाला था तभी तुम सामने आ गई मैटर क्लोज वैसे मैंने तुम भी मुझसे पहली बार ट्रेन में मिली और जो फाइल तुम मेरे बाजू में छोड़कर गई थी जब वो फाइल मैं तुम्हें देने आया तो तुम खुशी में उछलकर मुझसे आकर मेरे सीने से लग गई थी याद है ना अगर तुम इतनी ही खुश थी बोल सकती थी कि थैंक यू क्रिश शेक हैंड कर सकती थी या इंग्लिश में इतने सारे शब्द है कुछ भी कह सकती थी लेकिन तुम्हें इस तरह गले नहीं मिलना चाहिए था ना उधर तुमने स्पॉट लगाया लोग साले मर्डर स्पॉट लगाते लेकिन तुमने लव स्पॉट लगाया तब से अमेरिका गया भाड़ में मंजू डूब गई और क्रिश क्रैश हो गया अरे सोता हूं तो तुम जागता हूं तो तुम अंधेरे में तुम उजाले में तुम ट्रेन में चढ़ता हूं तो तुम ट्रेन से उतरता हूं तो तुम पिज्जा खाते हुए तुम चाय पीते हुए तुम अभी जब बियर पी रहा हूं तब भी तुम अगर सीधे लफ्जों में कहूं तो जनरली इंग्लिश में वो कहते हैं ना बिफोर क्रैश आफ्टर क्रैश वैसे ही मेरी जिंदगी के दो पार्ट्स हो गए एक बिफोर हगिंग और एक आफ्टर हगिंग ओके ऐसे हग करने से क्या लव होता है नहीं होता है अंदर कुछ फीलिंग हुई ना थोड़ी भी नहीं अरे तुम भी मेरी तरह झूठ बोलने लगी हो नहीं बिल्कुल नहीं इसका मतलब मैं वाकई वेस्ट फेलो हूं हे भगवान क्या कहा सुनाई नहीं दे रहा है ठीक है मैं आ रहा हूं हेलो बॉस मेरी आवाज आ रही है ना क्या बॉस ये कहां उतार दिया मुझे सन्यासी बना दिया होता मुझे पढ़ाई नहीं की ये मेरी गलती है नौकरी नहीं मिली ये मेरी गलती है लेकिन ये लड़की के दिल में जगह नहीं बना पाया ये आपकी गलती है ये मैटर आपसे डायरेक्ट सॉल्व करना है इसलिए मैं आ रहा हूं हेलो मैडम इस दुनिया में किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट हो सकती है लेकिन प्यार की नहीं क्योंकि वो हमारे मारने पर भी नहीं मरता और क्योंकि मेरी मौत अभी तक लिखी नहीं है मैं खुद ही मार रहा हूं अब कम से कम तो मेरी मदद तो करोगी ना 1 2 3 गिनना और मैं कूद जाऊंगा अब बोलो ना तुमने सुना तुम्हारा काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ लेकिन उसका काउंटडाउन शुरू हो गया अरे आसमान से गिरा तो खजूर में अटक गया सपना मुझे लगता है ऐसा मैंने देखा है सपना सच है सपने जैसा सपना है सच के जैसा हम तुम एक हो गए हैं यारा चुपके से दिल ने कहा चुपके से दिल ने सुना और तू लगने लगा मुझे प्यारा जानम तू है हमदम तू है वो 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 take me away take me away take me away take me away देखा सपना मैंने देखा है
है सपना, मुझे लगता है ऐसा, मैंने देखा है सपना। लगा तेरे लिए ही मैं जागा, तेरे पीछे पीछे दिल भागा, तेरे बिना कुछ सूझे ना, दिल मेरा कुछ बूझे ना, भूली मैं अपने घर का पता, मेरे दिल में घर तेरा, तेरे दिल में घर मेरा, दुनिया से हमको क्या लेना। बनके तू एक झोंका, बन गई संगीत मेरी सांसों का, तुझको अपना सजना, मैंने तो है माना, तेरे सिवा कुछ भी चाहूँ ना, मैं भी तेरी आँखों का बनके रह जाऊंगा, हर पल तुझको ही चाहूंगा। लगता है आपको ही कुछ करना होगा। लगता है मेरा गमीना देवर आ गया, रात से नहीं आया है, देखो अब आ रहा है। मैं बाद में फोन करती हूँ। कृष्ण कांते जी का घर यही है ना? यही है, लेकिन वो नहीं है जी। जो मेरे देवर ने कुछ किया क्या? उसने जो करना था उसने कर लिया, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। तू कोई मामूली इंसान नहीं है। जो लड़की तुझे आई हेट यू कहती थी उसके मुझे आई लव यू बुलवाया, ओवरनाइट तू कितने स्टेप आगे निकल गया। अब सिर्फ 7 स्टेप्स बाकी हैं। प्यार भी मीनू से, शादी भी मीनू से। शादी करेगी तो आपके देवर से ही, ऐसा मेरी बेटी कह रही है। अब आप भी बताइए मैं क्या करूँ। अरे बाप रे, आपके देवर ने जो काम किया है ना उसके एवज में हमारे जीजा उसके हाथ पैर तोड़ देते, लेकिन इनकी बेटी उससे प्यार करती है इसलिए जीजू ने कहा जाने दो और हम लोग घर ढूंढते हुए यहाँ। आप बैठ जाइए, बैठिए। वैसे शगुन के थाली में कितना रखेंगे आप? 100 करोड़ रखूंगा। आप बैठो, फिर शादी के बाद 500 करोड़ दे देंगे। आपका डिलीवरी का समय है इसलिए उठना बैठना बार बार मत कीजिए। अगर आपके पति यहाँ होते तो हम आगे की बात भी कर लेते। वो अंदर है, मैं धक्का देकर लेकर आती हूँ। ये धक्का मार कर क्या लाएगी? तुम्हारे भाई के लिए बहुत बड़ा रिश्ता है, तुम तो नमस्कार करने की भी पता नहीं क्या। Thank you.
दिन के बाद इनका हाथ पैर नाक मुंह सबने काम करना बंद कर दिया है। तुम तो काम का काम को बिगाड़ने वाले हो, पता नहीं उनके सामने तुम्हें क्यों लेके गई। रख दो रख दो रख दो, ठीक से रख दो। क्या हुआ बेटी, ये तो हमारे जीजू की तरफ से आपको गिफ्ट है। अभी हम चलते हैं, पंडित को बुलवा कर मुहूर्त निकलवा लेंगे। दामाद जी हैं तो उनको भी बता दीजिएगा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ठीक है बेटी। अंकल जी, हाँ? हमारे गांव में ना शादी में देवर की भाभी को कमर का पट्टा दिया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। उस पैकेट में ऐसा बहुत कुछ है। लगता है हम लोग गलत घर में आ गए। भाभी देवर जी आइए। दो हाथ और होते, दो गला और होता, ये सब पहन लेती। कैसे लग रही हूँ? गर्भवती चंद्रमुखी लग रही हूँ दीदी। वैसे ये जेवर, ये सामान कहाँ से लाए? कहीं लॉटरी तो नहीं लगी? कितने की लगी? 1000 करोड़ की। ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। तुम लोगों को स्वीट पसंद है ना, स्वीट ले लो। मेरे देवर जी यहाँ बैठो, नया सोफा है, नया सोफा। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, कंफ्यूज तो मैं भी हुई थी। एमपी साहब मेरे देवर जी के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लाए। कौन सा एमपी भाभी जी? अरे एमपी सियाजन को तुम नहीं जानते? उनकी बेटी के साथ लव करके आई लव यू कहा, वो भी भूलिए क्या? वो लोग यहाँ आए थे? हाँ वो लोग आए थे और रिश्ता पक्का करके चले गए। हेलो। हे क्रिश, मैं तुम्हें अभी याद कर रही थी और तुमने फोन कर दिया। वैसे मेरा आइटम कैसा लगा? hey. मैं तुम्हें आइटम लग रहा हूँ क्या? क्या हुआ? मैं यहाँ कूल वाटर में हूँ और तुम वहाँ हॉट हॉट हो? ए, बात डाइवर्ट मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ सीधा जवाब दो। उस दिन तुमने मुझे फोन पर क्या कहा था? मैंने कहा था मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, तुम आके रुकवा दो। नहीं नहीं, तुमने और कुछ कहा था। मैंने क्या कहा था? मेरे पापा से कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन वो तो सच नहीं है ना? तो मेरा प्यार भी तो झूठा नहीं है ना? देखो मंजू। और क्या देखना, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। मंजू प्लीज कम टू रियलिटी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यकीन नहीं आता तो मीनू से जाके पूछ लो। ओके, तुम रियलिटी की बात करते हो तो मैं आ गई। तुम मुझे अपने लव में ट्रैप करना चाहते थे, मैं हो गई। मंजू, मैं तुम्हें 48 आवर्स का टाइम देती हूँ, सोच लो। नहीं तो मेरी फैमिली की ट्रेडिशन है, मेरे पिताजी कहेंगे मार दूंगा, मम्मी कहेंगी किसी और से मरवा दो, तो फिर मैं मर जाऊंगी। सोचना तुम्हें है। हेलो मंजू, क्या हुआ, क्या कहा उसने? उसने मुझे फंसा दिया। अब मैं उससे नहीं, उसके बाप से डायरेक्ट बात करूंगा। चेक। मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए, मैं जीत गया सर। सर सर सर, आपने कहा था अगर मैं जीत गया तो आप मुझे यहाँ से जाने देंगे, मैं जा रहा हूँ। वेट, तुम्हारा गेम मेरा और मेरा गेम तुम्हारा, खेलो। फोन, ए फोन तो उठा। हेलो, साहब को फोन दे। आपका फोन, साहब को फोन दे बोलता है। हेलो, मुबारक हो साहब। किस लिए? आप मिनिस्टर बनने वाले हो साहब। क्या? मैं सच कहता हूँ, आप मिनिस्टर बनने वाले साहब। लड़की मिल गई क्या? हाँ साहब, वो लड़की हॉस्टल में रहती है और एक घंटे के अंदर वो आपके आंखों के सामने होगी। एक घंटे के अंदर? अरे एक घंटे में क्या होने वाला है? एक घंटे के अंदर तुम्हारा भाई मिनिस्टर बनने वाला है। सच्ची? जाओ जाकर सबको मिठाई बांटो। हाँ, बांटूंगी, बांटूंगी, जरूर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यहाँ खड़ा यहाँ खड़ा। मैं शिवाजी शिंदे भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, शासन द्वारा निर्मित। हेलो 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 मीनू, हे मीनू, क्या हुआ? मुझे पता नहीं। मीनू, हेलो, क्या हुआ मीनू, क्या हुआ बताओ। अप्रैल फूल, 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 अप्रैल फूल,
क्या जीजा जी, अप्रैल फुल बन गए? आपने मीनू को 4 दिन टेंशन दिया, इसलिए अप्रैल फुल बनाया। क्रिश गुस्से में। चलो। Oh my God! क्रिश! आधा साले को। हाय! छोड़ो। चल फिरो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाय! काली माँ की कसम अब नहीं छोड़ूंगा। कौन थे वो लोग? बोलो ना। पानी पीना है। अब बोलो कौन थे वो? पता नहीं। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे वो लोग? मुझे नहीं पता क्रिश। वाकई तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। छे। पता नहीं वो गधा कहाँ है? क्या हुआ? तू है कहाँ पर? मैं एमपी सिम्हाचरण के घर के बाहर। तू वहाँ क्या कर रहा है? तू इधर आया था ना, तो सोचा कुछ हो ना जाए इसलिए फुल पेमेंट करके एम्बुलेंस लेकर आया था। तेरी तो
खैर अपने घर के पास जो सुपरमार्केट है ना वहाँ आ जा। वहाँ पर क्यों? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, चल फोन रख। ठीक है आ रहा हूँ। जो हमारा पीछा कर रहे तो उन्हीं में से एक है। उससे भी डेंजरस लग रहा है। मेरी भाभी है। भाभी ये लड़की है ना? तुम कुछ मत बोलो। हमारे गांव में भी जिस लड़की की शादी होने वाली होती है वो होने वाले पति के साथ घूमती है। देवर जी इसे देख के लगता है कि ये अपने पापा पे गई है। देवर जी ये लड़की कौन है मुझे पता है। एमपी सिंहाचरण की बेटी को नजर ना लगे गुड़िया लगती है। अरे अरे मेरा सारा सामान गिर गया, जरा मेरी मदद करो ना प्लीज। मैं तुम्हें अपनी भाभी के बारे में बाद में बताऊंगा, फिलहाल जो वो बोलती है ना ओके ओके करना, मुझे नहीं उनको। कैसी हो? ओके। तो ये ओके। ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी ने दिया है। वैसे ना शादी से पहले लड़कियां ससुराल नहीं आती हैं, लेकिन इसे तो जल्दी है ना, इसलिए एक बार फ्लैट में आके जाना। ओके। क्या हुआ देवर जी? ये ओके कह रही है तो आप उसे चिमटी काट रहे हो? देखो लड़की घर तक आए और घर के अंदर ना लेके जाए तो इसके पिताजी क्या सोचेंगे, है ना बेटी? ए वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। जानते हो कौन है? एमपी की बेटी है। नमस्ते करो। एमपी की बेटी जी नमस्ते जी। ओके आओ रुको रुको रुको, पहले दाएं बाएं लाओ। जब तू ऐसे चलकर आ रही है तो लगता है करोड़ों रुपए की कालीन चलकर आ रही है। ये देखो प्लाज्मा टीवी, फ्रिज, चांदी के बर्तन, ये सब तुम्हारे पिताजी देकर गए हैं। तुम मेरे घर पहली बार आई हो, तुम्हारे लिए स्वीट लेकर आती हूँ। ओके। यार क्या हो रहा है? क्रिश मेरी बात तो सुन। लेडीज फर्स्ट। वो क्या ना हमारी भाभी के मायके में बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, उसमें काफी लॉस हो गया है। तब से हमारी भाभी को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। क्या? तो वो जो भी बोलती है तुम सुनती रहना। ओके 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 बेटी। हाँ बेटी ये लो स्वीट। अरे ये क्या चूहे की तरह खा रही हो? हमारे गांव की लड़कियां मुट्ठी भर भर के खाती है, तुम्हारे पिताजी का ही है। दरअसल मैं अपने घर से ही खाकर आई हूँ ना। कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो गई यार। तुम्हारे पिताजी ने सोने का हार चांदी के बर्तन लेके गए हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो सब मैंने ही तो खरीदा था, वही मेरे पिताजी यहाँ लेकर आए। अच्छा तू मस्का है तो ये मस्की है। अच्छा तो साड़ी दिखा देती हूँ, आओ ना। देखो ना आओ। Bad job. Very, very bad job. बहुत गलत किया तुम लोगों ने। ए डॉक्टर। सर। तुम मुझे रोज कितने एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हो? रोज के दो ही देता हूँ सर। अगर दस दोगे तो? इसीलिए आप आँख उठा पाते हो सर। तो इसको दस दो, इसको दस दो, इसको दस दो। दो। दस इंजेक्शन देकर टाइम वेस्ट क्यों करते हो भैया? क्यों रे? मेरे भाई ने तुम्हें कितना अच्छा ग्लू दिया। जिस लड़की को तुम लोग छोड़कर आए उस लड़की के दादा सुब्बाराव की पेंशन किस एड्रेस पर आती है वहाँ जाकर पता करो। वो किस हॉस्टल में रहती है उसका एड्रेस निकाल कर तुम लोग उस लड़की को एक घंटे में यहाँ लेकर आओ। आ रहे हो ना? अगर तुम लोग उस लड़की या उसकी माँ को यहाँ लेकर आते तो मेरा भाई अब तक मिनिस्टर बन गया होता। सर इसकी नब्ज चल रही है, हॉस्पिटल लेके जाए सर। हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चुप। जब कोई गाड़ी नहीं चलती ना तो हम लोग हाथ गाड़ी चलाते हैं। तुम उस लड़की को लेकर नहीं आए ना, मैं लड़की को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम लोग चूड़ियां पहन लो। इतने जेवर मुझ पर अच्छे नहीं लगेंगे, रहने दीजिए। इस तरह जी कह के क्यों बुलाती हो? अब मैं तेरी रिश्तेदार हूँ, दीदी कह के बुलाओ। ये लो पहनो। अरे बापरे इस लड़की को जल्दी से यहाँ ले जाओ वरना जिस तरह से बम फटता है पिस्तौल से गोली निकलती है उसी तरह ये लड़की भी निकलेगी। इसे कहाँ लेकर जाऊँ तुझे पता है ना? ए, देखो कैसी लग रही है? ज्वेलरी शॉप में डिस्प्ले डॉल रहती ना वैसी लग रही है। अभी इसके डैड घर पर वेट कर रहे हैं, मैं इसे छोड़कर आ जाता हूँ। छोड़ो तो मेरे साथ आओ। देखो जी ये देखो कौन है, हमारे घर के होने वाली बहू।
ये भैया है जो मंदिर में मिले थे। ऐसे क्या देख रही हो, इनके पांव छुओ, बड़े भाई है। ओके अच्छा जा, चलो 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 मेरे साथ। क्या हुआ भैया? ओ, जब शादी उसे कर रहे हो तो इसे क्यों ले आए, यही पूछा है ना? मैं प्यार भी इसी से करता हूँ और शादी भी इसी से करूंगा। अरे इसे मार क्यों रहे हो जीजू? क्या हुआ भैया, क्या चाहिए? अच्छा अंदर ले चलो, चल चल चल, ले भैया को ले, ले चल। कहाँ पर? क्या हुआ भैया? कैलेंडर क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा लगता है कैलेंडर के नंबर से कुछ बताना चाहते हैं। एमपी सिम्हाचरण। ओह एमपी सिम्हाचरण को वोट दे रहा है। तू चुप बैठ। एमपी सिम्हाचरण क्या भैया? एमपी सीमाचरण से अपनी मीनू को खतरा है। अरे यार इतने बड़े आदमी का मीनू से क्या लेना? यानी जो लोग मीनू की जान के पीछे थे वो सीमाचरण के आदमी थे। एक एमपी को मीनू से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या बात है जीजू, आप कुछ परेशान हैं? मैंने बम के साथ शिंदे का स्वागत किया और आंध्र प्रदेश छोड़ जाने की वार्निंग भी थी, लेकिन अब तक ना वो मुंबई गया और ना ही दिल्ली। तो आपको क्या लगता है वो यही है? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है जीजू। मंत्री पद के लिए जितना स्ट्रांग मैं हूं उतना ही स्ट्रांग वो भी है। अगर वो लड़की उसे मिल गई तो वो उसके साथ खेल खेलेगा। कोई नहीं है जीजू। सुनो, मीनू के पीछे सिर्फ एक ही आदमी नहीं, कोई दूसरा भी उसके पीछे है। दूसरा कौन? मीनू को सिर्फ यही नहीं, कोई शिंदे भी ढूंढ रहा है उसे। हाँ? अरे अभी ये इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी क्या? जितनी जल्दी हो सके मीनू को यहाँ से ले जाओ। जाओ यार। बताना मत कि मैंने ड्रायर नहीं पहना है, ये उधर ही देख रहा है। ए, कौन है वहाँ पर? क्या हुआ जीजू, कौन है, कौन है? साउंड कैसी? साउंड? अरे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम लोग पीकर बैठे हो? बेबी की शादी है ना, इसलिए एक एक पैक पी लिया। ठीक है ठीक है, क्या हुआ जाकर देखो। ए, चला रे, यहाँ क्या खड़े हो? चलो चल के ढूंढते हैं। अरे ये तो अपने कुत्ते की तरह दिख रहा है। ठंड लग रही होगी इसीलिए चादर ओढ़ लिया। कुत्ते को भी ठंड लगती है क्या? कोई आया जाकर देखो। अरे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ये तो निकल भी गया। चलो अच्छा हुआ, पर ये गया कहाँ? ये कहाँ चला गया? फोन कर। कोई तो है, ठीक से ढूंढो। Ha 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 ha
उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे साथ आया है। ए, 48 आवर्स का टाइम दिया था तुम उससे पहले ही आके, इसका मतलब तुम्हें बहुत जल्दी है। मैं हूँ अंगारा, तू कोमल कली, कोमल कली क्यों तू मुझे प्यार करने चली। वावा वावा वावा। प्लीज मैं हूँ भाई। वाह क्या फिगर है, आसमान पे तारे गुच्चे गुच्चे, अंगूर के दाने कच्चे कच्चे, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दा के पीछे। तू मुझे अकेले छोड़कर अपनी ससुर की विस्की का चखना मनाकर क्यों जा रहा है? डैडी मेरी एक इच्छा है। बोलो बेटी। ये आपका दामाद शादी होने के पहले कहीं नहीं जाएगा। ठीक है बेटी। जो चला गया उसे भूल जा। ये तो गया काम से, अब भागना मुश्किल है। जुम बराबर जुम शराबी, जुम बराबर जुम, जुम बराबर जुम शराबी, जुम बराबर जुम। काली घटा है, मैं हूँ राजा तू है रानी, फिर भी नहीं है बात पूरा। पैकिंग का टाइम हो गया है ना गाइस? मस्का मेरी जान तू यारा, मस्का तो ईमान हमारा, मस्का दिल दे नजराना, मस्का चोर की तरह मैं आऊंगा, मस्का मस्का तुझको चुरा के ले जाऊंगा, मस्का मस्का आंखों में तेरी बस जाऊंगा, मस्का मस्का दे जाऊंगा, मस्का मस्का दे दे दिल के बदले तू दिल, अब छुपा के रखना है मुश्किल, जाने जाना कुंचम कुंचम, नजर तो हमसे मिला। मस्का मेरी जान तू यारा, मस्का तू ईमान हमारा, मस्का दिल दे नजराना, मस्का ये 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 ये। मस्का मेरी जान तुम्हारी, मस्का तेरी जान हमारी, मस्का दिल दे नजराना, मस्का। तेजधार चाकू तुम हो, लेडी कोई डाकू तुम हो, बेशुमार जादू तुम हो, जाना बातें ना तुम बोलो, दिल के राज हमसे खोलो, बाहों में मुझे तुम भर लो यारा। मैं हूँ डीजल तू ज्वाला, हम मिले जो महबूबा, फिर वो भड़केगा शोला, जो रोके रुकेगा ना। चांद जैसी मेरी हस्ती, हाथ तो कर ले मुझसे मस्ती, भूल के सारी दुनिया को मुझ में तू डूब जा। आजा मेरी जान तू आजा, ले जा तू ईमान हमारा, दे दे दिल दे नजराना, आजा। I'm on the real, we do a bit in the club, getting all the groupie love, I'm weighing on a groupie hunt. You got that look on your face, cause you're looking to escape with that dope boy, sitting in that big boy truck, with 24s on the wheels, adjust to the kicks and the bass. चलते फिरते मैं खाना हो, तुम बला का पैमाना हो, दिल ये क्यों ना दीवाना हो, जाना। दिल भी ले लो जा भी ले लो, मेरे सारे अरमान ले लो, जो भी चाहे तुम हाँ ले लो यारा। दे दो अपनी गर्मियाँ, दे दो अपनी नरमियाँ, दे दो अपनी मस्त अदाओं की तुम मस्तियाँ। मैंने तुझको रोका ना ना, मैंने तुझको टोका ना ना, आजा आजा पास मेरे लब से तू लबों मिला।
आजा मेरी जान तू आजा ले जा तू ईमान हमारा दे दे दिल दे नजराना आजा चोर की तरह मैं आऊंगा मस्का मस्का तुझको चुरा के ले जाऊंगा मस्का मस्का अब छुपा के रखना है मुश्किल दे दे दिल के बदले तू दिल चाले जा रहा कुंचम कुंचम नजर तू हमसे मिलना मस्का मेरी जान तू यारा मस्का तू ईमान हमारा मस्का दिल दे नजराना मस्का मस्का मेरी जान तुम्हारी मस्का तेरी जान हमारी मस्का दिल दे नजराना मस्का यहाँ क्यों खड़ी हो देवर जी का इंतजार कर रही हो वो आ जाएगा हाँ चलो तुम खाना खा लो चलो आ जा अंदर अरे फोन बज रहा है उठ चलो अरे उठ Hey Rex, you got something for me? Whose phone is this? क्रिश कहाँ हो तुम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ क्रिश क्रिश बात करो ना मुझसे क्रिश कौन है देवर जी है ला इधर दे हेलो देवर जी आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो शादी से पहले आपने जो किया ठीक है लेकिन आप अपने प्यार किया उस लड़की से शादी करने जा रहे हो और वो लड़की घर पे इंतजार कर रही है और आप रात भर बाहर रह रहे हो ये अच्छा नहीं है हेलो मंजू क्या हुआ मंजू क्या हुआ बताओ तो क्या हुआ उसने मुझे धोखा दिया I hate him उसने मुझे धोखा दिया उसने फिर से मुझे धोखा दिया वो मीनू से प्यार करता है I don't want to live. I want to die. Manju! रुको बेटी। तू नहीं मरेगी वो मरेगा जीजू हाँ उसको मेरी बेटी ने पसंद किया इसलिए मैंने शादी का मुहूर्त निकलवाया और वो किसी और के साथ रोमांस कर रहा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा जीजू वो लड़की कौन है आपको पता है आपकी पहली बीवी की बेटी आपकी कुर्सी की ही नहीं वो आपकी बेटी के लिए भी दुश्मन बन गई है वो लड़की शिंदे से मिलने से पहले बस साले साहब जब हम सड़क बनाते हैं तो छाव देने वाले पेड़ भी आते हैं हम उसे काट कर फेंक देते हैं इसी तरह अगर हमारी बेटी रास्ते में आती है तो उसे काट अरे बाप रे जल्दी ऐसे निकलो जल्दी अरे हमने कुछ नहीं देखा हमने कुछ सुना भी नहीं इसने भी कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना हमारे घर को यही रास्ता जाता है आजा आजा यही शॉर्टकट है ये थोड़ा शर्मिला है पार्टी बहुत अच्छी थी सर अब शादी के दिन मिलते हैं सर इसको मत मारिए सर आप जो पूछेंगे मैं सच सच बताऊंगा अरे बेटी मैं मीनू की आंटी हूँ अरे एक बार उसे बुला दो अरे मीनू को बुलाने के लिए कह रही हूँ ऐसे क्यों देख रही हो मीनू के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता क्या हुआ क्या हुआ मीनू को क्या हुआ वो लड़की कहाँ पर है आप अपना फेस राइट टर्न कीजिए ना सर तुम मुझे बुद्ध क्यों दिखा रहे हो आप बात बात में मारने के लिए घर निकालते हैं ना इसलिए सोचा बुद्ध दिखाऊंगा तो बुद्धि आ जाएगी ए, 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 बहुत अच्छा हुआ तुमने कितनी अच्छी बात कही बेटी सेफ है आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो उसने मुझे फोन करके बताया था उसने फोन किया था ना तो ठीक है बेटी ये तो बताओ कि उसने अपना कोई एड्रेस दिया है क्या मैं लेके आ रही सर अब तो आपको लड़की मिल गई है अब क्या करोगे इसका दिल्ली की सीट के लिए इस लड़की को मीडिया के सामने खड़ा करूंगा और इसके बाप का नाम बुलवाऊंगा अगर ये लड़की अपने पिता के अगेंस्ट नहीं गई तो मार डालूंगा
और उसके बाद उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और ये बात साबित करूंगा कि ये उसकी लड़की है। बता रे। ए, ये नहीं बताएगा। अगर इसने बताया तो ये लवर कैसे कहलाएगा, और अगर मैंने बताया तो मैं इसका दोस्त कैसे कहलाऊंगा, और अगर मैंने तुम्हारे मुंह से कबूल नहीं करवाया तो मैं फैक्शनिस्ट कहलाऊंगा। नहीं, मैं बताता। जाओ रे, निकाल के लाओ उसे। अरे अरे, कौन है तुम लोग? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? जाओ। क्या हुआ? आए, आप पहले। लड़की कहाँ है? कौन तुम्हारी बेटी? उसे तो वहाँ लेकर चले गए हैं। कौन लेकर गया? ये क्या हो रहा है देवर जी? वो आपके फ्रेंड है, ऐसा कहकर आप ही ने तो उसे भेजा था ना? फ्रेंड? हाँ, जिसे अपने साथ अपने घर लाए थे। उतरो, उतरो। क्रिश यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? उससे बात करो, यहाँ बुलाओ। ये लो, उसको फोन करो, वो कहाँ पर है, करो। सच में मुझे नहीं पता। फोन करो। हेलो क्रिश, क्रिश मैं मीनू बोल रही हूँ। क्रिश, हेलो क्रिश, क्रिश मीनू बोल रही हूँ, एयरपोर्ट के बगल वाले मंदिर के पास है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। इन लोगों को लेके जाओ, गाड़ी निकालो और एयरपोर्ट के बगल में जो टेंपल है वहाँ चलो। चल चल जल्दी चल। सर सर, ये गेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ सर, प्लीज। अरे मुझे मालूम था जब मैं ऐसा बोलूंगा तो ये यही जवाब देगा। अरे मुझे निकल जाना चाहिए वरना फिर पकड़ लेगा। क्रिश के आने से पहले हम एक गेम खेलेंगे। इस गन में सिर्फ एक बुलेट होगी, इस पे हम में से किसी एक का नाम लिखा है। क्रिश का कौन होगा इसके बाद ही पता चल पाएगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्रिश, तुम्हें भी चाहता है और मुझे भी। जब किसी एक चीज को दो लोग पसंद करते हैं तो कौन लूजर होगा गेम में ही डिसाइड होता है। नाउ द गेम स्टार्ट। मेरे लिए छोड़ दो, इट्स ओके ना? शूट मी। व्हाट? शूट मी। बुलेट पर मेरा ही नाम लिखा है। आई लॉस्ट द गेम। क्रिश तुम्हारा है, क्रिश तुम्हारा है। नो, मंजू,
बुलेट मैंने गन से निकाल दी थी, फिर भी मैंने गेम खेला। यही गेम तुम्हारे साथ दो एमपी भी खेल रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं। उनमें से एक मेरे पिताजी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो तुम्हारे भी पिताजी। ऐसे क्या देख रहे हो? ये तुम्हारी पहली बीवी की बेटी। मेरे मंत्री पद के रास्ते में अगर मेरी बेटी भी आती है तो उसे भी रास्ते से हटा दो। जिस तरह तुम मेरी जान की फिक्र कर रही हो, पर तुम्हारे पिताजी नहीं करेंगे। कृष के आते ही तुम लोग यहाँ से कहीं चले जाना। गुड लक। सिम्हाचरण, तेरे को बेटी चाहिए या गद्दी चाहिए? क्या सोच रहा है? जल्दी बोल। ऐसा क्या है? लगता है वो हम सब लोगों को बम से उड़ाने के लिए आ रहा है। ए, चुप। तुम्हारी बेटी मार डालो, यही है ना तुम्हारा प्रोग्राम? तुम्हें मंत्री बनना है ना? तो ज्यादा सोचो मत, मार डालो इसे। जो सात समुंदर पार से आकर लोगों को मारते हैं वो लोग टेररिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जानने के बाद कि ये खुद की औलाद है और उसे भी मारते हैं, उसे पता नहीं क्या कहते हैं। सर, अगर आपको खुशी मिलती है तो इसे मार दो सर, मुझे भी मार दो, आपको अवार्ड मिलेगा, भारत रत्न, पद्म भूषण, राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा सर। डैडी, आपको इसे भी बड़ी उपाधि मिलेगी, आप मुझे मार डालिए। मेरी माँ कभी आपके रास्ते में नहीं आई और मैं भी नहीं आऊंगी, मुझे मार डालिए पिताजी। उठ रहे, उठ,
मैं तुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, तुझे मंत्री की कुर्सी चाहिए या अपनी जान? दोनों चाहिए। अरे तू है असली राजनेता, ले लो। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ना ही कोई अधिकार, मुझे मेरा परिवार और मेरे बच्चे चाहिए। मैं शिवाजी शिंदे भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि शासन द्वारा निर्मित भारत के संविधान के प्रति सच्चाई और निष्ठा से काम करता रहूंगा। मस्का मेरी जान तू यारा, मस्का तू ईमान हमारा, मस्का दिल दे नजराना, मस्का। चोर की तरह मैं आऊंगा, मस्का मस्का तुझको चुरा के ले जाऊंगा, मस्का मस्का आँखों में तेरी बस जाऊंगा, मस्का मस्का बेकरारियां दे जाऊंगा, मस्का मस्का दे दे दिल के बदले तू दे।